तो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था, आई वाज टोटली डिप्रेस्ड, क्या कर रहा है क्या कर रहा है, तो करके निकल गया। इतनी गंदी तरीके से, तो मैं अपने बाप को या अपनी भाइयों से भी बात नहीं करती, सर किस तरीके से बात करता है। मैंने ऐसे जैसे बोला ना, नितिन से पूछे चुप रहो, यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है, ये रोशन कैरेक्टर हमारा है, ये आप कहीं बाहर नहीं बोल सकते। हाँ, ये कीड़े पड़ेंगे, कीड़े पड़ेंगे, सोहेल को सत्यानाश होगा, इसका सत्यानाश होगा। क्या नाटक कर रही हो, क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ, खोलना यार, मतलब ऐसे जो उसने किया ना। हेलो, मैं हूँ खुशबू हजारे, आप देख रहे हैं बॉलीवुड ठिकाना। आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ है, इन्हें वो सब इंडियन फैमिलीज जानती है जिनके घर में टीवी है, इंटरनेट है, क्योंकि पिछले 15 सालों से ये एक ऐसे शो का हिस्सा है जिसे हर इंडियन फैमिली पसंद करती है और देखती है। रोशन भाभी के रूप में इन्हें सब जानते हैं, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि एक टाइम पर मिसेस चेन्नई भी रही है। आज ऑटोबायोग्राफी ऑन बॉलीवुड ठिकाना में हम एक्ट्रेस जेनिफर मिस्त्री से सुनेंगे उन्हीं की जिंदगी की कहानी। Jennifer, welcome to Bollywood Thikana. Thank you so much, Khushboo. It's Jennifer Mystery Bansiwal. So okay. I just want to make both my families happy. Yeah. मेरी माँ के ससुराल, तो I write both. Yeah. So Jennifer Mystery Bansiwal. Jennifer, what a beautiful day this is. और ऐसा लगता है कि आज सारी कायनात ने हमें मिलाने की कोशिश की है, क्योंकि मुंबई में फुल ऑन बारिश आ रही है और वेस्ट टू ईस्ट आने में हमें इतना लंबा टाइम लगा, बट वी आर टुगेदर नाउ। और आज बहुत अच्छी बातें हम करने वाले हैं आपकी पर्सनल लाइफ से लेकर। sure. तो शुरू करते हैं शुरुआत से। जेनिफर कहाँ से है, कैसा बचपन रहा, परिवार में कौन कौन था? सो आई एम बॉर्न, ब्रॉट अप, स्कूलिंग, कॉलेजिंग, एवरीथिंग इन जबलपुर। एंड मैंने खालसा जीत, गुरु गोविंद सिंह खालसा स्कूल में वहाँ से पढ़ाई की है। देन आई डिड माई एम कॉम, मतलब मैंने बी कॉम मैंने जीएस कॉलेज से किया है। देन एम कॉम मेरा प्राइवेट था। एंड मैंने एम ए इन इंग्लिश लिटरेचर किया है माता गुजरी कॉलेज से। एंड मेरे घर में बहुत सारे लोग थे, मतलब वी वर 16 पीपल इन द हाउस, होल वेरी जॉइंट फैमिली। मेरी बुआ थी दो, मेरे काका थे दो, मेरे एक काका अनमैरिड थे तो एक काका की फैमिली थी, तो उनके दो बच्चे, हम लोग चार भाई बहन। इट्स लाइक इट वाज अ ह्यूज फैमिली। प्लस उस टाइम तो ऐसा होता था कि सब रिलेटिव्स बहुत आते जाते रहते थे। यस, तो बहुत मजा आता था, बचपन तो बहुत अच्छा बीता। सब जबलपुर में कैसा था, मतलब आपकी अगर मैं बिल्कुल नियर फैमिली की बात करूँ तो कितने सिबलिंग थे आप, फादर क्या करते थे आपके? सो माई फादर वॉज अ बैंक ऑफिसर, मिस्टर नरिमान डिंशा मिस्त्री in Bank of India. Yes. And my mother was a staff nurse in medical college. So my father expired when I was pregnant. Oh. And my mother, she's staying with my sister now. So we were four siblings. So I am the eldest. Then my sister Dimple, who is a special needs child. Yeah. And then my brother hai Adil, who stays in the same building. Oh, great. And he's a bank officer. Okay. And my youngest brother, he expired 10 months back. Yeah. So Malcolm, he was like closest to my heart, he's the closest to my on earth, you know. And that was very heart-shattering when he expired. All of a sudden in 21 days, he was gone. So hum log bachpan, lekin jaise main kabhi bahut roti hu to meri beti itni, my daughter Lekisha, she always tells me कि मम्मा आप इतनी चीज पे रोते हो कि मालूम मामा नहीं है, आप ये खुश हो कि 40 साल वो आपके साथ थे। दैट वाज सच अ मैच्योर टॉक एंड आई सेड यस, आई शुड बी थैंकफुल, लोगों को कहाँ ऐसा प्यार मिलता है, बिकॉज ही वाज टोटली माय दुमछल्ला ना, जो मैंने बोला ऐसा। हाँ, हाँ. तो बचपन तो टचविट बहुत अच्छा था सारे परिवार के बीच। मेरे काका के दो बच्चे हैं, महरनोश और खुशनम। तो महरनोश इज इन मुंबई मीरा रोड, माय कजिन खुशनम शी इज स्टिल देयर। स्कूल में आप कैसी स्टूडेंट थी? मैं बहुत सीधी थी, और ये मुझे जब मुझे अभी एक हमारा रीयूनियन हुआ था, हम लोग गोवा गए थे हमारी फ्रेंड्स, तब मुझे उन्होंने बोला, जेनिफर हम सोच नहीं सकते थे कि तुम मेकअप, एक्टिंग, बकबक, बात करना, बोले यू और लाइक मैं ऐसे ऐसे हम दो चोटी करते थे, बेल्ट रहता था हमारा, टाई रहती थी,
ग्रे कलर का यूनिफॉर्म रहता था, रिबन से टाई करना फोल्ड करके अगर लॉन्ग, तो ये मेरे ग्रुप की एक मेरे स्कूल की चार पांच मस्तीखोर लड़कियां थी, तो रोज रोज मैं से सामने से आती थी, वो चार पांचों मिलके मेरे पे अटैक करती थी, एक ये चोटी खोलती थी, एक चोटी को एक यहाँ से टाई निकालती थी, एक बेल्ट खोल देती थी और मैं ऐसे देखती रह जाती थी, मैं कभी कुछ नहीं बोलती थी और उन लोग अभी हंसते हैं कि माय गॉड हम सोच नहीं सकते कि तुम एक्ट्रेस बन गई। मैंने कहा मुझे भी नहीं उम्मीद थी, मेरी लाइफ मैंने कभी नहीं प्लान की, गॉड ने प्लान की। पढ़ाई में कैसी थी आप? पढ़ाई में पहले मैं बहुत अच्छी थी, सो क्लास सेकंड तक आई यूज्ड टू कम फर्स्ट इन ऑलवेज एंड देन उसके बाद फिर टेंथ तक ही रैंक रहता था मोस्टली मेरा, वी आई थिंक 45 ऐसा कुछ स्टूडेंट्स थे हम लोग, तो टेंथ तक ही रहता था। या आई वाज गुड, आई कुड हैव बीन वेरी गुड, लेकिन क्या हुआ क्लास थर्ड के बाद फिर ऐसा हो गया कि सिर्फ एग्जाम से पहले एक दिन पढ़ना है, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। फिर मुझे मेरी बुआ थी रोशन हुई, तो शी यूज टू टीच, शी वॉज अ टीचर, तो शी वॉज टोटली हैंडीकैप्ड, मतलब उनके हाथ पैर सब ये थे, शी वॉज बेड रिडन फॉर मोर देन 25 years, शी वॉज माई आइडल। तो उन्होंने मुझे बोला था कि जेनी बेटा तू हमेशा क्लास सेकेंड तक फर्स्ट आती थी, अभी तू वापस आ जा। और मुझे उन्होंने क्लास 11th में पढ़ाया था, थोड़ा ही पढ़ा था मैंने, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ाती थी, वो जिसको भी पढ़ाती थी वो डबल प्रमोशन हो जाता था उसका, फर्स्ट आने लगता था, फेल होता बच्चा फर्स्ट आने लगता था एक महीने के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने मुझे पढ़ाया था, मैं पूरे खालसा मतलब पूरे हमारे जबलपुर के पूरे जितने ब्रांचेस है सब में फर्स्ट आई थी मैं विद द हाईएस्ट परसेंटेज, तो दैट वाज वे। उसके बाद फिर बाकी पढ़ाई में मतलब फिर अगेन एवरेज, यू नो। सो आपने आगे पढ़ाई ही की, तब तक आपको क्लियर नहीं था कि मेरा कुछ एक्टिंग का भी निकल नहीं, सकता बाप है? दूर दूर तक नहीं। तो फिर कैसे, हाउ डिड इट हैपन? पढ़ाई के टाइम पे ये था कि मेरी मम्मी वाज वेरी, शी यूज्ड टू बी, यू नो शी यूज्ड टू लव डांस, तो उन्होंने नहीं सीखा था, तो उन्होंने वो बोला कि मैंने तुमको इसलिए सिखाया है कि तुम करो ये। Okay. मेरी इच्छा पूरी नहीं हुई, बिकॉज उनकी बहुत ह्यूज फैमिली थी एंड शी वाज द एल्डेस्ट, वो वहां सब देखती थी। तो उन्होंने मुझे डांस में कथक में डाला एंड देन कुछ छोटा मोटा जैसे स्कूल में होता है फंक्शंस में पार्टिसिपेट करती थी टिल लॉन्ग टाइम एंड देन इन इंटर कॉलेज कॉम्पिटिशन आई पार्टिसिपेटेड। फिर मैं कथक में क्योंकि मैंने कथक में 8 years डिप्लोमा किया है, मैंने फोक म्यूजिक किया है 2 years का बुंदेलखंडी फोक म्यूजिक, तो ये सब के कारण वहाँ पर जो एक हमारा ग्रुप था तरंग करके एक ग्रुप था, एक विवेचना और तरंग दोनों सिस्टर कंसर्न थे, एक थिएटर का था एक डांस का था, तो दोनों में मैं ये करती थी। तब थोड़ा प्ले वे करने लगी से अराउंड 95-96 के आसपास की बात कर रही हूँ मैं, रादर 97 में। देन कुछ शोज करते 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 ऐसा सब यू नो थोड़ा बहुत ही किया, लेकिन ऐसे कुछ एक्टिंग का शौक वॉक ऐसा कुछ नहीं था कभी, ऐसा बस ओके टाइप का कर रहे थे। देन माई हस्बैंड, मतलब जब मैं उनसे मिली 1998 में, तो व्हेन आई मेट हिम ही एनकरेज्ड मी, मतलब ही व्हेन आई मेट हिम थोड़ा ये प्ले वे थोड़ा शोज वोज कर रही थी एंड शादी हो गई 2001 में एंड देन आई वाज क्राइंग ऑल द डे सिटिंग इन चेन्नई कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, मेरे पास कुछ नहीं करने के लिए, कोई बात करने के लिए नहीं, किसी को यहाँ हिंदी नहीं आती है, मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। दैट टाइम ही एनकरेज मी कि तुम एक्टिंग का तुम कुछ करो, तुम करती थी थिएटर, तुम करती थी ये अपना डांस करती थी। तो दैट टाइम आई सेंट माई पिक्चर, ग्रेट करके एक मैगजीन आती थी अनु और शशि रंजन की, ग्रेट में मैंने मेरी फोटोज भेजी, दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई सेंट माई पिक एवर इन 2003 एंड फर्स्ट इसमें ही मेरा फोटो में सिलेक्शन हो गया कि आपकी फोटोज एकता कपूर सुभाष घई महेश भट्ट के टेबल्स पे है। वो आप समझ में आता है वो ऐसे कहने के लिए होता है, बट बहुत फोन आने लगे मुझे, बहुत फोन आने लगे 2003 एंड में। तो 2003 एंड में आई केम टू मुंबई जस्ट 15 दिन के लिए, मेरे हस्बैंड ने बोला जाओ जाके बॉम्बे ट्राई करो। तो ही आल्सो वांटेड टू बी इन एक्टिंग, वो फिल्म इंडस्ट्री से नहीं है अभी, फिर भी वो मतलब आपको एनकरेज कर रहे थे। उन्होंने मुझे बोला कि तुम ये करो बॉम्बे जाके थोड़े दिन ट्राई करो, क्योंकि सबका ये कहना था बॉम्बे में होना पड़ेगा आपको एक्टिंग लाइन में। सो आई केम इन 2003 डिसम्बर आई केम टू मुंबई, तब मेरा फर्स्ट मैंने रोल किया था बालाजी का कुसुम में, एक बहुत छोटा सा रोल था, मैं फुल तैयार व्यार एकदम हीरोइन जैसे तैयार होके सुबह 5:30 बजे में पहुंची थी, कॉल टाइम 6:30 का था और वहां पर यूनिट सब 7 बजे आई थी, मतलब 1.5 घंटा है सिटिंग अकेले भवंस कॉलेज में। आपको बताया गया क्या रोल है क्या करने का है? हाँ, तो मैं बस ऐसे बोला गया था सम फ्रेंड
कुमुद की फ्रेंड, कुमुद की या कली की फ्रेंड ऐसा हाँ. कुछ बोला था. तो मतलब जो भी फ्रेंड है मतलब कुछ अच्छा होगा हाँ. और वहाँ जाके कर क्या रहे हैं तो मस्त. मैंने मुझे याद है रेड कलर का सलवार कुर्ता एंड इसे पूरा बड़े बड़े इयर रिंग्स इसे पूरा तैयार होके कि अभी तो मुझे एकता कपूर देखी बोली यही है मेरी कुसुम यही ऐसा 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 सब इमेजिनेशन था. एंड देन वी उसमें ऐसा था कि पानी भरने के लिए ट्रक खड़ा है और ट्रक में पानी भरने के लिए बहुत सारी औरतें लाइन में खड़ी है उसमें मैं भी हूँ और जस्ट मैं और एक बाजू वाली ऐसे बिचिंग कर रहे हैं समथिंग. पता है वो कली को देख ऐसे समथिंग उतना एक लाइन था. और मुझे याद है कि दैट मैंने वो शूट किया था 14th of December 2003 एंड 16th December 2003 को वो रिलीज हुआ था. हाँ. मैं जिनके यहाँ रुकी थी हाँ. मेरे काका के यहाँ उनके यहाँ टीवी खराब था हाँ. तो मैं पड़ोसी के यहाँ वो देखने गई थी. आई वाज लाइक ओह गॉड मैं कितनी अच्छी लग रही क्योंकि मेकअप मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा देखा. तो दैट वाज हाउ इट स्टार्टेड. कितनी पेमेंट मिली थी उस रोल के लिए? 1000 आई थिंक. बट पेमेंट से ज्यादा वो खुशी थी कि मैं टीवी पे आई हूं. तो ये था कि एक फर्स्ट पहले तो इनकम ऐसा था. दूसरा कि यू नो एक अलग एक एक्सपीरियंस था. फिर वो काफी ऑफर्स आने लगे. सेम टाइम माय हस्बैंड वाज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर देन. तो वो उन्होंने दूसरी कंपनी में अप्लाई किया था तो उनको पुणे का ऑफर मिला. तो उन्होंने बोला कि बॉम्बे मिल सकता है क्या क्योंकि उन्होंने मेरे को बोला मेरा करियर अभी स्टार्ट हो रहा है करके. तो मिल गया लकीली बॉम्बे. बट वो टाइम था हम 5 January 2004 को हम जो बॉम्बे आए हैं आज से बॉम्बे में हैं एंड वी वर स्टेइंग इन द सेम प्लेस इन द सेंस वी वर स्टेइंग नियर बाय ओनली. 4 महीने के अंदर हमने ये घर खरीदा. क्या बात है. सिंस 2004 वी आर इन दिस लाइन. ठीक है. मुंबई में आके लाइफ सेटल हो गई, घर हो गया, हस्बैंड की जॉब थी, आपका काम आगे कैसे बढ़ने लगा? सो पहले तो मैंने जून जुलाई में आई थिंक 2004 में मैंने नादरे बब्बर जी का थिएटर किया बिकॉज नादरे बब्बर जी अपना पूरा प्लेज लेकर जबलपुर में आती थी. हमारे वहाँ जो एक एनुअल फंक्शन होता है उसमें वो लेकर आती थी पूरा प्लेज. तो लाइक आई न्यू द राज बब्बर की वाइफ है नादरे बब्बर, वो अपना थिएटर ग्रुप चलाती है और उनके साथ इन्होंने काम किया था. एकजुट करके थिएटर ग्रुप का नाम है. तो मैं अब मुझे यहाँ का कुछ रूल्स रेगुलेशन मालूम नहीं. मैं तो सीधे जैसे जो डेट मुझे पता चली शायद एक दिन पहले ही मुझे पता चला कि कल से उनका वर्कशॉप है. एंड आई रीच देयर एंड आई सेड कि मुझे ये वर्कशॉप करना है. शाम को 3 घंटे रोज रहता था एंड मैं पवई में और वो अंधेरी भवंस कॉलेज में था. तो उन्होंने मुझे बोला कि जो नादरा जी के जो मेन जो वहाँ पर देखते हैं सब कुछ हनीफ पटनी जी, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं 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 आपको इसके लिए महीनों पहले बुकिंग करनी पड़ती है, ऐसे आप नहीं कर सकते. तो मैंने कहा सर, बोले नहीं 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 पॉसिबल नहीं है आप जाइए. तो मैंने बोला सर मैं विवेचना से हूँ, जाओ अंदर, पहले बोलना था जाओ, ऐसे करके उन्होंने तुरंत तो किया. जबलपुर वाला कॉन्टैक्ट काम आ गया, एकदम से कॉन्टैक्ट काम आया. तो उन्होंने वो थिएटर में मुझे ऐसे ही ले लिया मतलब इसमें वर्कशॉप में. देन 21 डेज वर्कशॉप लगा. देन फिर वो थिएटर में 3 साल करती रही. बीच में मैंने कुछ और भी थिएटर का अलग अलग जगह भी किया, कुछ शॉर्ट फिल्म की, छोटे छोटे रोल्स किए, मतलब अनक्रेडिटेड रोल्स भी किए बहुत बहुत बहुत. मतलब सपोज बताइए ना कुछ. क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मैंने किया था मकरंद देशपांडे जी की वाइफ का रोल. दैट टाइम आई डिडंट नो कि मैं मकरंद देशपांडे जी की वाइफ का रोल कर रही हूँ. मैं जब वहाँ गई एक टेक में सीन होके हो गया, मुझे उनको चिल्लाना था. वो आज भी मेरे पास रखा हुआ है सीडी में. क्या कैसा क्या सीन था? वो वकील बने हैं. इट हैपेंड व्हेन आई थिंक इसको जेल होती है, मतलब स्मृति ईरानी को या उनके बेटे को ऐसे कुछ जेल होती है. तो वो वकील बने थे उस टाइम पे. तो वकील का जो फर्स्ट स्टार्टिंग सीन था तो वो मेरे से और उनसे था कि मैं उनको चिल्ला रही हूँ कि क्या है तुम, किस तरीके के वकील हो, कॉलर भी ठीक से नहीं आती, क्या है ऐसे ना बहुत चिल्ला रही हूँ, बहुत चिल्ला रही हूँ. और मतलब वो सीन वन टेक ओके. मकरंद देशपांडे जी मेरे रूम में आए, उन्होंने मेरे को बोला तुमने बहुत अच्छा किया ना. लाइक गॉड मकरंद देशपांडे मुझे बोल रहे हैं. तो मैंने जी सर. बट अनफॉर्चुनेटली फिर उसके आई थिंक 1-2 दिन बाद मेरे फादर को पैरालिसिस हो गया. तो बिकॉज ऑफ दैट आई हैड टू गो टू जबलपुर. तो मुझे नहीं मालूम वो मुझे फिर रोल के लिए बुलाया नहीं गया, आगे था नहीं, क्या था, दैट आई डोंट नो. बट दैट स्टार्टेड. तो ऐसे ही मैंने कुमकुम में कुछ ट्रैक किया था कुछ एपिसोड्स का. देन कहानी घर घर की एंड बहुत छोटे छोटे रोल डॉक्टर का. तो साक्षी करके था, तुम बिन जाऊँ कहाँ, अरुणा रानी जी का, ये सब मैं बहुत छोटे छोटे रोल्स फिल्मों में किया. फिल्मों में मैंने मैंने हल्ला बोल में किया था एक छोटा सा रोल. देन लेटर आई डिड इन लक बाय चांस. तो लक बाय चांस में भी ऐसा हुआ कि इसमें एक छोटा सा था कि मुझे अरशद वारसी को चिल्लाना था बहुत जोर से. और मतलब मैं तो चिल्ला दिया मतलब जैसा था.
और डायरेक्टर ने बोला वेरी गुड ऐसे करके, बहुत अच्छा, बहुत खुशी हुई, बोले जेनिफर वेरी गुड। एंड वो असिस्टेंट डायरेक्टर जो थे वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला मैम आपने बहुत अच्छा किया, मतलब आई थिंक एसोसिएट डायरेक्टर थे। तो मैंने बोला सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मतलब इट वॉज नथिंग, मुझे उनको चिल्लाना है। बोले मैम वन टेक इज वेरी बिग थिंग, बोले आपने कुछ भी नहीं, जैसा चाहिए था तो वो अभी भी फिल्म में वो शॉट है, हल्ला बोल, क्रेजी फोर एंड लक बाय चांस में किया था मैंने, कोंकणा की फ्रेंड, मतलब दो सीन थे वो किया था। तो एक मैंने जस्ट तारक मेहता के पहले किया था, एक तारक मेहता स्टार्ट हो गया था उसके बाद एक दिन और शूट आया था, फिर अभी अभी एयरलिफ्ट, वो तो मैं आफ्टर माई डिलीवरी तब किया था। एंड तो मतलब ये सब था, शॉर्ट फिल्म्स थी, एड फिल्म्स थी, प्रिंट एड्स थे उस टाइम, ये सब ज्यादा था। जेनिफर, आपके हस्बैंड का आपके करियर में इतना सपोर्ट रहा है, एक इनिशियल पुश चाहिए किसी भी इंसान को, और जैसा आपने बताया कि आपके हस्बैंड ने आपको काफी सपोर्ट किया, कैसे मिली आप देवता आदमी से? सच में देवता है यार, वो अभी भी मेरा जो ये सब चल रहा है इसमें, ही इज द ओनली वन हु इज सपोर्टिंग एंड ही इज द ओनली वन हु इज एनकरेजिंग ऑल द टाइम, क्योंकि समटाइम्स आई ब्रेक डाउन, तो उनके बिना तो मैं सोच ही नहीं सकती कि जिस तरीके से उन्होंने स्टार्ट करा थ्रू आउट, पुश करते रहे कि ये करो। एंड ऑल्सो जब ये सब चीज़ें भी तारक मेहता में होती थी तो वो जिस तरीके से बोलते थे कि यू डोंट हैव टू बेयर ऑल दिस, तुम ये गलत कर रहे हो, सेलिंग योर सोल, ये गलत चीज़ के लिए तुम आवाज़ नहीं उठा रहे हो। अब मुझे समझ में आता है कि यार ऑफकोर्स वो करना था तब, मतलब किया भी था ट्राई, लेकिन दबा दिया गया। एनी वेज, कमिंग टू द थिंग इज, मैंने अरीना मल्टी मीडिया करके एक जो मल्टीमीडिया का ऑफिस, क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया का कोर्स, अरीना मल्टीमीडिया तब होता था जब नए नए कंप्यूटर आए थे और सब वहीं पे सीखने जाते थे, आई रिमेम्बर। मैंने वो ज्वाइन किया एज अ काउंसलर, तो एंड मयूर वहाँ पर एज अ स्टूडेंट ज्वाइन किया हो, मतलब उनने किया होगा। तो मेरा फर्स्ट डे था, आई रिमेम्बर 18th of Feb 1998 मैंने ज्वाइन किया, 19th Feb की बात है, मैं ऐसे बैठी हुई थी एंड मेरा जिसने मुझे बुलाया था तो एक एक्वेंटेंस था, तो उसने मुझे बोला कि मतलब पहचान मस्ती करता था, तो उसने बोला ऐसे ही से बोला मैम आपका मयूर बैठा है, अच्छा कांच था, एक कांच के पीछे ही वाज सिटिंग देयर इन वाइट शर्ट। तो मैंने ऐसे देखा, मैंने कहा ये तो खरगोश जैसा दिखता है, तो इन लोगों ने उसका नाम खरगोश रख दिया। तो वो जितनी बार आए थे मैम आपका खरगोश, रोज ऐसे बोलते थे, पर वो कभी से ध्यान नहीं दिया मैंने। लेकिन मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगती थी उनकी कि कभी भी बोलते ही नहीं थे, मतलब हमेशा क्वाइट, जहाँ जो यहाँ चार पांच लड़के लड़कियाँ बैठ के हल्ला गुल्ला मस्ती करें, ही इज जस्ट सिटिंग देयर कमिंग बिफोर टाइम क्लास, ऐसे चुपचाप बैठे हैं, बैठे बैठे लाइक क्या है। मतलब अप्रैल की बात है, अप्रैल 3rd week की बात है कि सडनली आई नोटिस्ड कि मैंने आज रेड पहना है, मयूर ने भी रेड पहना, मैंने आज ब्लू पहना, उसने भी ब्लू पहना, मैंने ग्रीन, उसने ग्रीन, मैंने येलो, उसने येलो, मैंने ब्लैक, उसने ब्लैक, मैंने व्हाइट, ऐसा ऑलमोस्ट 8 दिन हुआ। कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? तो अब समझ में आता है वो सिंक्रोनिसिटी थी, यूनिवर्स वाज टेलिंग मी, सो वी हैव दैट सिंक्रोनिसिटी, बिकॉज़ आई एम इनटू स्पिरिचुअलिटी एंड हीलिंग राइट नाउ, सो आई नो दैट, वो मुझे तब नहीं मालूम था। यार कैसे हो सकता है? तो सडनली ध्यान जाने लगा ना कि एकदम सेम शेड ऑफ कलर कैसे पहन रहे। तो आई आई 28th of April, I called him, because I was the counselor, I was having many, sub contact number mere paas rehte the, contact list. To maine mere brother se, Malcolm se phone karaya unko, maine bola ki inko phone laga karke, wo mera, you know, he knew everything ke mere bare mein sab, to usne lagaya phone, aur usne mujhe phone de diya, raat ko 10 baje maine phone kiya tha, to I asked Mayur, ki itni raat ho gayi, aap abhi soye nahi hai, to unne bola ki आप कौन बोल रहे हैं? तो मैंने बोला पहचानो, तो उन्हें बोला जेनिफर, तो मैंने आई, मैंने कहा आपको किस मालूम? तो बोले एक ही तो लड़की है जिसको मैं देखता हूँ। एंड आई वाज लाइक विद इन अ मिनट ही टोल्ड मी कि हम आगे तब बढ़ेंगे इफ माय पेरेंट्स सेज। इन 2 days आई मेट हिज पेरेंट्स एंड देन इट स्टार्टेड, वी डेटेड फॉर ऑलमोस्ट 3.5 साल एंड गॉट मैरिड। तो जब सबकी हाँ थी और सब कुछ था, तो 3 साल का गैप क्यों रहा शादी? मतलब he was not settled that time. Okay. He just student थे पढ़ाई के। हाँ, he just completed his MBA and वो MBA के बीच में गैप मिला था, तो he was doing this multimedia course. हाँ. तो अब settle तो पहले तो होना पड़ेगा। Yes. And yes. तब बहुत ही छोटे थे, like हाँ. I was 21 that time. तो एक थोड़ा सा टाइम फिर ऐसे करके, वो तो सब घर वाले तो मेरे यहाँ तो लव मैरिज ही है सबकी, तो वो तो कोई इशू ही नहीं था उनके यहाँ भी, टचवुड लव होके अरेंज, मतलब मम्मी पापा माइन लोज स्टे नेक्स्ट बिल्डिंग ओनली, दे आर द बिगेस्ट हेल्प, उन्होंने बहुत अच्छे से सब शादी कराई, अच्छे से हो गया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल लव स्टोरी। इस बीच में सबसे बड़ी चीज हम भूल गए कि मिसेस चेन्नई
2002 में आप रही, कैसे क्या हुआ? सो जस्ट आफ्टर मैरिज 2001 आई गॉट मैरिड एंड 2002 में देयर वाज अ कॉन्टेस्ट मिसेस चेन्नई, तो ही आस्क्ड मी कि तुम कुछ ऐसे देखो इसमें. एंड वहाँ पर एक प्रिलिमिनरी राउंड था जिसमें आई थिंक 150 लेडीज थी और मैरिड पूरा मिसेस चेन्नई था, नेचुरली मैरिड. तो उसमें दे सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ कि एक मिनट में आप जो भी परफॉर्म करो. तो आई परफॉर्म्ड कथक देयर, तो बहुत अच्छा लगा उनको ऐसे करके. तो वी केम डाउन टू 28. देन ऐसे अलग 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 राउंड्स हुए, जिम का राउंड था, फूड कार्विंग का राउंड था, आप मार्केटिंग का राउंड था, आप कितना मार्केटिंग कर सकते हो, टेबल डेकोरेशन, ये और मार्केट करने को कहा गया आपको कि जैसे ये है कुकर और ये है कि आप इसको इसके बारे में बताओ, किसी को बेच रहे तो कैसे ना, ऑल लाइक हाउ स्मार्ट यू आर इन ऑल द एस्पेक्ट्स. सो उसमें जो फर्स्ट वाला था, सो आई वाज नॉट मिसेस चेन्नई, आई वन वन ऑफ द सब इवेंट्स. ओके. सो मुझे जो फर्स्ट इवेंट था जिसमें मिसेस होम डेकोर एलिगेंट क्वीन, तो उसमें मैं जीती थी. तो उसमें था कि जितने हम लोग 28 लेडीज थी, उसमें सबको आपका घर बनाना है. तो मैंने और मयूर ने मिलके, मैंने इससे जस्ट पहले रंगोली सीखी थी, और मैंने और मयूर ने मिलके वहाँ से छोटे छोटे टॉयज खरीदे. अभी भी वो टॉयज मेरे पास है, मेरी बेटी खेलती है उससे. अच्छा. तो बेड ये वो ऐसे सब खरीद के, वो लकड़ी वकड़ी से वुड से है ना जोड़ के बनाते हैं ऐसे. अच्छा. सब पूरे हमने बनाए, हमने ऐसे पूरा एक मतलब इट आई जस्ट वेंट अकॉर्डिंग टू माई थॉट, ऐसे पूरा बना के बहुत ही ऐसे सुंदर. मैंने सिर्फ मेरा दिल डाला, ये बोलू मैं, मेरा इंटेंशन डाला, एक रंगोली से एक घर बनाया और उसमें वो सब ऐसे रख के कि ये मेरा बेडरूम, ये मेरे इनलॉज का बेडरूम, ये मंदिर, ये मेरा बच्चे का, ऐसे सब पूरा ऐसे किया. एंड जो मुझे याद है जज है इन शी केप्ट, और उसमें मैंने नाम लिखा था शैल विला, मेरी मदर इन लॉ का नाम शैल है. okay. तो मैंने तो उन्होंने ऐसे आके देखा, वो खड़े होकर बस पूछती रही मुझे ये क्या है ये क्या है, ऐसा बहुत सारा उन्होंने पूछा, मतलब सब जगह जा रही थी, वो मेरे ऊपर रुक गई. मैंने बोला ये है, ये है, यहाँ से ये देखिए, ये मेरा रूम है, तो यहाँ बच्ची का रूम पास में होगा, इसी से कनेक्टेड या इनलॉज का, कि उनको कुछ जरूरत पड़े. सो आई वॉज जस्ट टेलिंग लाइक दिस एंड सडनली आई गॉट द प्राइज एंड शी टोल्ड ऑन माइक के शी इज यू नो, उसने पूरा अपना इंटेंशन डाला है कि मुझे ये घर चाहिए है. वहाँ एक आर्किटेक्ट भी थी जिन्होंने पूरा लकड़ी का बहुत सुंदर घर बनाया था, फुल लकड़ी का, एंड मेरा ये रंगोली का घर. एंड आई वाज लाइक आई स्टिल हैव अ फोटो ऑफ दैट, यू नो, इट इज ब्यूटीफुल. तो उसमें मेरा जो मिला, देन जो लेटर फिर और भी कुछ राउंड्स थे, ये अपना मॉडलिंग वाला भी था, वो सब होके इट वाज लाइक आई वन वन ऑफ द सब इवेंट्स. लेकिन सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो मिसेज होम एलिगेंट वाले में ना वो फर्स्ट था, तो बहुत मीडिया आई थी, तो आई वाज देयर इन ऑल द न्यूज़पेपर. एंड वन थिंग व्हिच पीपल डोंट नो दैट आफ्टर मैरिज आई चेंज माय नेम टू जाह्नवी. इसके पीछे भी एक स्टोरी है. सो के बिकॉज माय हस्बैंड टोल्ड मी व्हेन वी वर डेटिंग के जस्ट शादी होने वाली थी कि शायद मम्मी पापा तुम्हारा नाम चेंज कर सकते हैं. मैंने मन में सोचा काश जाह्नवी रखे, ऐसे मैंने सोचा. एंड जब शादी हुई तो मम्मी मदर इन लॉ ने बोला तुम्हारा नाम सोचते जाह्नवी रखते हैं. मैंने मयूर को भी नहीं बोला था. एंड आई वाज लाइक माय गॉड आई एम अ सॉलिड मैनिफेस्टर यार, कि मतलब मैंने सोचा हो गया है. तो जाह्नवी नाम से ही मिसेस चेन्नई में सब मुझे वहां उसी नाम से लेते हैं. बट देन आई वाज नॉट फीलिंग, दो तीन साल तक ये रहा, बट नॉट फीलिंग अंदर से जाह्नवी नहीं, हां जाह्नवी ऐसे लग रहा था, मैं नहीं हूं, मैं जेनिफर हूं. देन आई चेंज्ड इट बैक, यू नो, टू दिस. ओके. जेनिफर, आपका फेस एक्ट्रेस वाला है, आपने मॉडलिंग की है, आपने म्यूजिक सीखा है, आपने डांस सीखा है, एक्टिंग आपने सीखी है, कराटे क्यों सीखे आपने? सो मेरी मम्मी चाहती थी मैं कथक सीखूं, तो मम्मी के कहने पे कथक किया. बट कहीं ना कहीं उनको ये था कि अपना सेल्फ प्रोटेक्शन, यू नो, सेल्फ डिफेंस होना ज़रूरी है. उसके लिए उन्होंने हम चारों को, तीनों को, मतलब डिम्पल नहीं, हम तीनों को कराटे में डाला था. तो मेरे दोनों भाई तो नालायक, दोनों ने डांस, मतलब उन लोग ने गाना गायन सीख रहे थे, वो भी आधा आधा छोड़ा, कराटे भी आधा आधा छोड़ा. आई यू नो आई गॉट माय ब्लैक बेल्ट इन कराटे इन आई थिंक 95. कभी पर्सनल लाइफ में जरूरत पड़ी कराटों की? मैं चाहती हूँ पड़े, और बहुत सारे लोगों को कराटे करना चाहती हूँ, बहुत मानना चाहती हूँ, बहुत मानना चाहती, लेकिन आएगा टाइम, वो भी आएगा.
So now, पर किया है मतलब मारने का ऐसे नॉट कराटे कराटे बट दो तीन जगह ऐसा हुआ है कि लाइक व्हेन समवन जबलपुर इज अ वेरी अब तो बहुत यू नो अच्छा हो गया है लेकिन पहले बहुत ईप टीजिंग बहुत ज्यादा थी तो हर लड़का जाते हुए हर लड़की को छेड़े कुछ बोले ये करे हाथ लगाए होता था तो व्हेन तीन इंसिडेंट्स मुझे इसके याद हैं कि एक बार मैं मेरे घर के पीछे उस टाइम पे कैसेट्स मिलती थी अपना पुराना जो रिकॉर्ड प्लेयर में डालते हैं तो वो नया नया रेंट वाला टाइम चालू हुआ था आई एम टॉकिंग अबाउट 92-93 तो नया नया वीसीआर लिया था और कैसेट्स रेंट पे तो रेंट पे कैसेट लेने मैं कोई हमारे एक पीछे एक है जहाँ थोड़ा अंधेरा है हल्का वहाँ से जा रही थी और एक लड़के ने आके से मुझे पीछे से हाथ लगाया मुझे याद है मेरे हाथ में कैसेट मैंने जोर से मारी एक वो था फिर भाग गया एक बार मैं से जा रही थी हम लोग तीन फ्रेंड्स जा रहे थे एक लड़के ने आके पीछे मुझे हाथ मारा उसका पलटी मैंने उसका हाथ पकड़ने का क्या कर रहा है क्या कर रहा है तो वो करके निकल गया और एक बार याद है कि मैं स्कूटी पे हूँ एक दूसरा लड़का छोटा बहुत मतलब I was 21 दैट टाइम एंड ही मस्ट बी नॉट इवन 13 उस निकल रहा था और करते करते उसने से मेरे को सामने चीज पे हाथ मारा उसने जैसे ही हाथ मारा मैं तेज गाड़ी पकड़ी मैंने कहा रुक 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 अभी उसने बोला कि दीदी 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 माफ कर दो दीदी माफ कर दो दीदी माफ कर दो पिटवाना नहीं दीदी माफ कर दो एंड वो चले गया उसके बाद मैंने सोचा एक छापड़ तो मारना था यार क्यों मैंने इसको छोड़ दिया बट दैट वाज द टाइम नाउ आई रियलाइज कि मैं हमेशा से ऐसी हूँ यू नो कि मेरे सहन नहीं कर सकती मैं लेकिन क्या हो गया था इन तारक मेहता ये सब करते करते वो एक दबा दिया जाता था वो चीज सहन करते करते आदत हो गई थी बट वो होना था अभी बड़ा वाला कराटे सो कमिंग टू तारक मेहता इससे पहले आप ऑफ कोर्स इंडस्ट्री में ट्राई कर रही थी काम भी कर रही थी लेकिन वो रोल्स उतने मीटी रोल्स नहीं थे तारक मेहता के बारे में कहां से पता चला और कैसे एंट्री हुई आपकी सो 7th मार्च 1993 वाज माय रोशन फुई मेरी बुआ की डेथ एनिवर्सरी 7th मार्च is my marriage anniversary so 7th March 2008 exact 15 years ke baad meri shaadi ki salgirah thi unki death anniversary thi and main unko bahut manti thi to main 4.5 saal se struggle kar rahi thi and I was like chota chota kar rahi thi bahut sari cheeze thi ki theater mein un log karne bhi nahi dete the ki aap you know aapko roz theater aana hi hai to aap regular work nahi kar sakte isliye chota chota role ke liye ho jata tha तो आई वॉज प्रेइंग टू माई रोशन फुई के रोशन फुई 4.5 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ आई हैव गॉट एनीथिंग सब्सटैंशियल आई वांट समथिंग यू नो जो जिससे लोग प्यार करें जो लोग यू नो चाहे पैसे कम हो ये कम हो लेकिन ठीक ठाक रोल हो एंड यू नो बहुत प्यार मिले ऐसा चीज़ चाहिए मुझे और थोड़ी देर में मुझे तारक मेहता से कॉल आया मतलब जो थे अरविंद मर्चेंडे जी वो भी नहीं है प्रोडक्शन में थे उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मेरे को बोला कि जेनिफर आप पारसी हो मैंने कहा जी बोले पक्का पारसी हो ना मैंने कहा पक्का पारसी हूँ तो बोले कि अच्छा आप एक ऑडिशन के लिए आ सकते एक ये इसके लिए आ सकते हो क्या बोलते हैं लुक टेस्ट के लिए आ सकते हो लुक टेस्ट नहीं मतलब एक इंट्रोडक्शन के लिए आ जाओ तो इंट्रोडक्शन मैंने जाके दिया सिर्फ अपना नाम नंबर दे वांटेड टू हैव द कैमरा लुक कैसा है वो फोटो के पीछे उन्होंने लिख लिया कोई पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम पहनने के लिए कहा गया नहीं मुझे याद है मैंने येलो कलर का कुर्ता पहना था बहुत गंदा सा मतलब इट वाज एड वाला कुर्ता तो वो मैंने पहना था और उन्होंने फोटो के पीछे से लिखा पारसी फिर उन्होंने पूछा तुम पक्का पारसी हो ना मैंने कहा हाँ भाई पक्का पारसी मतलब कैसा होता है तो बोले नहीं तुम हिंदी इतनी अच्छी बोलती मैंने कहा सर मैं MP से हूँ जबलपुर से देन मेरी कजिन की शादी थी तो मैं जबलपुर चले गई देन इन फ्यू डेज आई गॉट अ कॉल के आप आके ऑडिशन दो तो मैंने कहा सर मैं तो मुंबई में नहीं हूँ तो बोले कि ठीक है आप आ जाओगे तब ऑडिशन दो तो मैंने कहा आई विल टेक टाइम इट विल टेक ऑलमोस्ट लाइक 2 months बोले विल वेट मैंने कहा ये कौन सा प्रोडक्शन हो जो मेरे लिए वेट कर रहा है मैंने कहा ठीक है चलो मैं तो इसे लाइटली लिया 15th May 2008 आई गेव ऑडिशन 18th May को मेरे फ़ोन आया कि यू आर सिलेक्टेड 21st May आई साइन द कॉन्ट्रैक्ट 2nd July 2008 मेरा फर्स्ट डे था शूट का एंड बस 28 जुलाई से स्टार्ट हो गया ऑडिशन में क्या करवाया आपको उस दिन आपका लुक लिया था लुक मतलब हाँ उस दिन पूरा तैयार करके मेकअप पूरा आपको बताया था आपका कौन सा किरदार है हाँ मुझे ये बोला था मतलब जब आई मैं मतलब जब मैं ऑडिशन के लिए गई तो मुझे बोला गया कि आपको और सोडी और मिसेस सोडी हैं रोशन दोनों का नाम रोशन है ये पर सरदार है आप पारसी हो और आप दोनों को
एक सिचुएशन है कि आप लोग बैठे हुए हो और सामने से सोडी लस्सी पी रहा है, आप लस्सी दे रहे हो और सडनली लस्सी उस पर गिरती है, एक नॉटी बच्चा है टप्पू, पूरी पूरा तारक मेहता सीरियल टप्पू पे बेस्ड है ऐसा बोला गया मुझे. तो वो लस्सी गिरता है, आपको सोडी को बोला, गुरु को बोला, गुरुचरण जो प्ले कर रहे थे पहले, उनको बोला आपको चिल्लाना है, गुस्सा होना है. He was there in the audition. हाँ, तो हम दोनों ने सुना और हम दोनों ने साथ में ऑडिशन दिया. एंड हम दोनों जब ऑडिशन दे रहे थे तो आसिफ जी एंड दयाशंकर पांडे जी वो दोनों सामने खड़े थे. एंड आसिफ जी बहुत खुश हो गए, बहुत खुश, बोले अरे बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा तुम इसको ऐसा और ये तुम ये कहना ये बहुत अच्छा. मतलब हम तो अपना जो समझाया, मतलब क्योंकि हम नेचुरली वो जो था पारसी वाला मेरे में से आया, वो हाँ. तो उसका सरदार वाला है, क्योंकि इनने सारे कैरेक्टर्स ही जो जिस कास्ट के थे वैसे ही थे. तो वो हमने ऑडिशन दिया तो वो एकदम बहुत ही ज्यादा खुश हो गए. एंड बस उसके बाद तो तीन दिन बाद तो मुझे फोन आ गया था. तो उस दिन जब पहला दिन आप शूट कर रही थी तब आपको लगा था ये शो इतना लंबा चलेगा या इट इज गोइंग टू बी सो बिग? बिल्कुल भी नहीं है. कब, मतलब 2 जुलाई 2008 की बात है. हम सब आई थिंक दिलीप जी को छोड़ के, दिलीप जी और दिशा को छोड़ के बाकी हम सबका फर्स्ट डे ऑफ शूट था. तो हम सब कोर्ट के सीन में जो है और कोर्ट में गवाही दे रहे हैं जो एक उसमें दिखाते हैं, वो हमारा फर्स्ट डे था शूट का. मतलब तब तो ऐसी हालत थी कि अभी क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं रहा है, कोई पहचान करने सब जो लेडीज लोग को हम लोग को साथ में बैठाया गया था. हम लोग का दिन भर, मतलब सुबह हम 9 बजे की शिफ्ट में थे, आई रिमेम्बर शाम को 8 बजे हमारा शॉट आया जो स्टार्ट हुआ, और 8 से लेके उनने फिर आई थिंक 10-10 बजे तक फटाफट फटाफट कंप्लीट किया. वो सेट तब भी लग गया था? नहीं, तो वहाँ नहीं था हमारा, बस बसरा स्टूडियो में था. हाँ. कोर्ट का एक सीन था वहाँ था. अच्छा. तो सेट तो फिर उसके बाद आई थिंक 3-4 दिन बाद हमारा मॉन्टाज शूट हुआ जो शुरू में दिखाते हैं गाना वाला, वो वाला शूट हुआ. एंड उसके बाद आई थिंक 11-12 तारीख के आसपास तब फिल्म सिटी वाले सेट जो सेट था पूरा गोकुलधाम सोसाइटी और बनाया गया. कैसा रहा एक्सपीरियंस? इस एक्सपीरियंस को कैसा देखते हैं आप? किस दिन आपको महसूस हुआ कि अब यार पहचान मिल गई और हम स्टार बन गए? कितने टाइम बाद? स्टार तो मैं अभी भी नहीं मानती अपने आप को. नहीं, आप हो. नहीं. आप हो. नहीं, मैं नहीं मानती, बट ठीक है, पहचान मिल गई आप बोल सकते हो कि लोगों का जो ये जेन्युइनली बोलूं, बीइंग इन तारक मेहता तो रियलाइज ही नहीं होता था कि सच में सेलिब्रिटीज हो गए, क्योंकि वो आप इतना कुआं का मेंढक को आपको पता नहीं चलता है. हाँ, वो डाउन करते रहते हैं कि कुछ नहीं है, बाहर जाकर तो पता चले, ऐसा वाला होता है उनका. एनीवेज, तो जुलाई में स्टार्ट किया था एंड वी वेंट इन नवंबर. नवंबर में हम लोग गए थे जम्मू, अपना वैष्णो देवी मयूरोर में. तो उस टाइम पे जब एक दो जने पहचानने लगे, कुछ लोग आके फोटो खिंचाने लगे, मैंने कही मुझे कहाँ से पहचान रहे कौन. मैंने कहा यार मैं तो मतलब इतना छोटा सा कैरेक्टर हूँ. दैट टाइम समझ में आया कि ओ ये मतलब जानने लगे. तब भी आई डोंट थिंक सो, मुझे जब 5 साल तक थी मैं, जब तक प्रेग्नेंट हुई तब तक तो मुझे रियलाइजेशन नहीं था कि कुछ ये बहुत, मतलब ऐसा सुनते थे कि अच्छा बाहर लोग बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा सीरियल, बहुत तारीफ हो रही है, लेकिन ऐसा कुछ रियलाइजेशन नहीं था. बट व्हेन आई बिकेम प्रेग्नेंट एंड व्हेन जब मुझे शो से निकाल दिया गया, मैं शो से निकली, उस टाइम पे लोग जब फैंस मिलते थे तो बहुत. आप प्रेग्नेंट थी, आपको शो से निकाला गया, मतलब? मैं प्रेग्नेंट थी इसीलिए मुझे शो से निकाला गया. तो मैटरनिटी लीव होती है? कुछ नहीं, उन्होंने बोला सीधे से मुझे, देयर वाज नो नोटिस, नथिंग. 28 मार्च 2013 को मुझे उन्होंने बुलाया एंड नहीं, 28 मार्च 2013 को मैंने देखा, सडनली स्क्रिप्ट मेरे हाथ में आती है, सेट पे पैकअप हुआ था और रोशन चली अमृतसर. मैंने ये क्या है, तो मैंने आसिफ जी को फ़ोन किया, तो आसिफ जी ने और मतलब देन न्यू आई वाज प्रेग्नेंट. तो तब 4.5 महीने हुआ था मेरा. तो मैंने आसिफ जी को बोला सर ये क्या है, तो बोले तुम कर लो फिर अपन बात करते हैं, ये पूरा कर लो एपिसोड पूरा. 8 अप्रैल वॉज माई लास्ट डे एंड देन उसके बाद मेरे ख्याल से मैं 11 तारीख को उनको ऐसा कुछ मिलने गई. तब उन्होंने बोला कि नहीं जेनिफर, वी आर रिप्लेसिंग यू, 90% वी आर रिप्लेसिंग यू, 10% चांसेस हैं अगर गुरुचरण शो में वापस आता है तो वी विल कीप यू. तो लेकिन गुरुचरण ने छोड़ दिया तो आई एम रिप्लेसिंग यू. मैंने कहा सर उससे क्या मतलब है, मैं तो काम करना चाहती हूँ, आप सडनली मुझे शो से निकाल दोगे, ना मेरे पास काम पैसा कुछ नहीं, और घर में मैं करूंगी क्या, और प्रेग्नेंट और नया बच्चा, फैमिली प्लानिंग हो रही है, तो अभी मैं कहीं और भी काम ढूंढने नहीं जा सकती. मैंने कहा मैं करूंगी ना. मैंने उनको बहुत सारे आइडियाज दिए. मैंने कहा सर आप मुझे, मैं सरदार की वाइफ हूँ, आप दिखा दो कि मैं सलवार कुर्ता पहनी हूँ, ठीक है, और आप क्लोज अप लो, ऐसे पेट दिखेगा भी नहीं. वो मेरी कलीग ने आइडिया दिया था, तो उन्होंने वो मना कर दिया. मैंने कहा सर आप मुझे ये कर दो, मेरे से क्लोजअप्स लो, उतना पता नहीं चलेगा. बोले नहीं. मैंने कहा आप
मतलब मैंने उनको बहुत सारे ऑप्शन दिए, उन्हें सब मना कर दिया. तो उन्होंने बोला कि नहीं सोढ़ी नहीं है ना तो अच्छा नहीं लगेगा कि आप किसी और से प्रेग्नेंट हो. मैंने कहा सर सोढ़ी आएगा तो जो लेकिन अब तो बिना सोढ़ी बिना रोशन भाभी सबके कहानी चल रही है, तब नहीं चलता है. अब मैंने बोला सोढ़ी तो होगा ना, मतलब ऐसा. तो उस टाइम वो बहुत टची थे ना अबाउट द कैरेक्टर्स, लाइक हम बाहर रोशन भी नहीं बोल सकते थे अपने आप को. अभी अब वो उनका हमेशा से था ये कैरेक्टर हमारा है. कॉन्ट्रैक्ट के बारे में भी जानना चाह रही थी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि आपको पता ही नहीं था कि आप इतने फेमस है, जबकि बाहर तो तारक मेहता वॉज अ बिग शो और आपको रियलाइज नहीं हुआ, क्योंकि समझ सकते कि आप बाहर कहीं गए नहीं, आप सिर्फ शूट करते रहे, घर आए शूट करते रहे. और कॉन्ट्रैक्ट तो ऐसी क्या चीजें थी कॉन्ट्रैक्ट में कि आपको नहीं बतानी थी बाहर? नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट हमारा जो था फर्स्ट 3 years था, उसके बाद कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. अच्छा, मतलब 2008 से 2011 तक था. 2011 के बाद अभी 22 में हुआ है, 12 साल देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट फॉर एनीवन. अच्छा, अभी मेरे मैं जब नहीं थी तब कराया हो किसी से तो आई डोंट नो, लेकिन तब तो नहीं था किसी के पास. और कॉन्ट्रैक्ट में पहले इट वाज नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो इनिशियल था ना, इनिशियल तारक मेहता वो 5 years. देखो आप भी एज अ पब्लिक देखते हो तो आपको यू फील दैट है ना, वो ब्यूटीफुल लगता है बिकॉज सबकी वाइब्स अच्छी थी, सबका एनर्जी अच्छी थी, सब पंचेस टूट गया पूरा वो. अभी फिर वो क्या होता है ना, धीरे धीरे जब इंसान के पास पैसा आता है, घमंड आता है, आप दबाने लगते हो, हर चीज करने लगते हो, सैचुरेशन पॉइंट भी आता है यू नो. और वो भी अब कितनी स्टोरी करें, उन लोग भी बहुत मेहनत करते हैं लेकिन कितना चीजें करें, वो सब फिर धीरे धीरे ऐसा सब होने लगा. कॉन्ट्रैक्ट तो अभी साइन हुआ है जो सितंबर में, सितंबर 2022 में. तो वर्बली आप सबको कहा हुआ था कि ये नहीं करना है, ये नहीं करना है? हाँ वर्बली, मतलब पहले कि इस कैरेक्टर के नाम से कहीं भी बाहर जाके आपको इवेंट पहले, में पहले नहीं सब कुछ नहीं था. पहले इनिशियल 5 years देयर वाज नो इश्यूज, बहुत अच्छा था. मैं जो 5 साल रही हूँ 2013 तक, तब तक एक दो ही छोटी छोटी चीजें हुई थी. लाइक मेन जो हुआ था, मेरे फादर की डेथ पे आसिफ जी ने मुझे वापस बुला लिया था. 2 दिन बाद उन्होंने मुझे फोन किया था एंड ही कॉल्ड मी बैक के अपना 26 जनवरी का शूट है. तो मैं एग्जैक्ट, मतलब उन्होंने मेरे को 17 या 18 तारीख को फोन किया था. मैं 21 और 22 को मैंने शूट किया है बॉम्बे में एंड 26 का टेलीकास्ट था जो हम सिर्फ तिरंगा झंडा को सलाम कर उसके लिए उन्होंने बुलाया. उसके बाद 12 दिन में घर पे बैठी, मतलब मैं प्रेग्नेंट थी. आप वो भी कर सकते थे कि अवॉइड कर सकते थे, इतना कितना पता चलेगा. नहीं मेरे को पूरी पूरी कास्ट चाहिए. एनीवेज ठीक है, वो ही एक, उसके अलावा ऐसा कोई इशू नहीं हुआ. एक दो बार कुछ छोटे छोटे इशू हुए थे जहाँ मैंने थोड़ा सा बात आवाज उठाने की कोशिश की तो मुझे दबा दिया गया कुछ रिलेटेड टू क्या क्या कहा गया. सो वंस, मतलब ये बहुत ही माइनर ऐसे, लेकिन अभी मुझे लगता है कि उस टाइम तो नहीं लगा. वो ट्रिगर पॉइंट्स अब मतलब काम किए हैं एक्चुअली, मैं समझ सकती हूँ. तब से हो रहा था कि अब हाँ, मतलब पहले उतना नहीं था, ये बहुत छोटी सी चीज थी. अब मुझे ये समझ में आता है इनकी फितरत थी. बिकॉज 2008 में जब सीरियल स्टार्ट हुआ है, 2009 में मतलब 2008 में तारक मेहता स्टार्ट हुआ, 2009 की बात होगी या 2008 की बात होगी, हमारा कांदीवली में शूट होता. तो आधा सेट पहले यहाँ था, आधा कांदीवली में था इंटीरियर. अभी एक ही जगह पे है ना फिल्म सिटी में, पहले आधा उधर था जो 2015 तक कांदीवली में शूट किया हम सब ने. तो इंटीरियर वहाँ रहता था. तो वहाँ पर रात को 2 बजे थे और प्रिया आहूजा जो रीटा रिपोर्टर है उसको भूख लगी थी और उसने स्पॉट दादा से बिस्किट मांगी और स्पॉट दादा ने बोला मैम बिस्किट नहीं है. तो उसने बोला अरे यार बड़ी भूख लगी है, ऐसे करके वो चले गई. एंड मैंने स्पॉट दादा को ऐसे मैं चिल्लाने लगी, चिल्लाने मतलब मैंने बोला दादा क्या है यार आप ऐसा क्या करते हो यार, आप लोग एक तो 9 बजे की शिफ्ट है, आप लोग ने डिनर भी नहीं मंगाया, अभी बिस्किट तो रखो, बेचारी को भूख लग रही. क्या था, मैं मेरा खाना ले जाती थी, जो भी बच्चा कुचा ले जाती थी, उसके पास नहीं होगा. वो जस्ट न्यू वहाँ शिफ्ट हुई थी दिल्ली से और यू नो शी वाज अ स्पिनस्टर, अकेले रह रही थी, नहीं होगा कुछ. तो वो एकदम से आसिफ जी ने सुन लिया, आसिफ जी थे वहाँ पर. तो आए और मुझे बोलने के क्या है, ऐसे किसी और के बारे में नहीं बोलने का, अपने बारे में बोलने का. हाँ तुमको आएगी क्या वो हेल्प करने कभी लाइफ में, हाँ अपने तुम्हारे को जरूरत हो तो बोलो, दूसरों के लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं है. तो मैंने वो अवॉइड किया कि तो छोटी सी चीज है. बट दूसरा एक हुआ था 5 जून 2010 की बात है कि हम लोग 2009 और 2010 हम लोग का 5-6 दिन से नाइट शूट चल रहा था. तो नाइट शूट कैसा कि मतलब शाम को 5:30 बजे पहुंचे, सुबह 6-6:30 बजे वाला पैकअप होता था, ये फिक्स चल रहा था. और उस दिन ऐसा था 5 जून को कि जैसे सुबह पैकअप हुआ है, हम सब 6 बजे निकले हैं वहाँ से और हमको वापस 1:30 बजे आना था
और डेढ़ से अगले दिन सुबह 6 बजे तक था, क्योंकि उनको एक डे का सीन करना था जो डे लाइट में होता था हमारे यहाँ, यही था क्योंकि लाइट चाहिए उसके लिए, तो उसके लिए उनने हमको 1:30 बजे बुलाया था। तो उस दिन मेरी कलीग का बर्थडे था, तो शी आस्क्ड फॉर एडजस्टमेंट के मुझे थोड़ा लेट आऊँ, मेरा बर्थडे है तो 3 बजे तक आऊँ। तो एडजस्ट किया गया कि ओके 3 बजे आ जाओ। अब वहाँ वो कोई पिक्चर देखने गए अपने हस्बैंड के साथ, और वहाँ वो पिक्चर थोड़ी लंबी निकली। आई रिमेम्बर वो राजनीति पिक्चर देखने गई थी, और वो आई है और बहुत रोते हुए आई। हम लोग सब सेट पे वेट कर रहे थे कि अभी ये आएगी और वील स्टार्ट द सीन, एंड सडनली ऐसे मैं देखती हूँ कि ऐसे वो चिल्लाते हुए आसिफ जी, और वो मतलब आसिफ जी चुपचाप चल रहे हैं, और वो चिल्लाते हुए पूरा, सर सर मेरे हस्बैंड गुस्से से गया घर, सर उसको कुछ हो ना जाए, मुझे डर लग रहा है, सर बदतमीजी से बात करता है, सोहेल सर अब पूछो, दूसरी लेडीज को पूछो, इतनी गंदी तरीके से, तो मैं अपने बाप को या अपनी भाइयों से भी बात नहीं करती, सर किस तरीके से बात करता है, ऐसे करके वो रोए जा रही। और सेट ऐसे आई और हम लोग सब लेडीज खड़े थे, ऑल द लेडीज, एंड वो बीच में खड़े हुए, आसिफ जी बीच में खड़े हुए, और सो एक साइड मुनमुन और मैं खड़े थे, दूसरी साइड बाकी लेडीज खड़ी थी। तो बोले सर पूछिए दूसरी लेडीज से, तो आसिफ जी कुछ बोल ही नहीं रहे, बोले पूछिए दूसरी लेडीज से कैसे बात करता है सोहेल। तो मैंने और मुनमुन ने साथ में बोला कि हाँ सर वो सही, हमने इतना बोला तो उन्हें बोला चुप रहो। मैंने बोला पर सर वो सही बोल रही है, मैंने ऐसे जैसे बोला ना, नितिन से गुस्से चुप रहो, यूनियन बनाने की जरूरत नहीं है। मैंने उनकी तरफ ऐसे देखा एंड आई मूव्ड आउट ऑफ द सेट, मैं गुस्से से चले गई। तो उस टाइम मेरे हस्बैंड का मेरा बिकॉज ऑफ नाइट शूट चल रहा था, तो आई वाज नॉट एबल टू मीट माय हस्बैंड फॉर लाइक 5 डेज। मैं मिल, क्योंकि वो मैं सुबह जाती थी तो वो आके सो जाती थी, वो निकल जाते थे ऑफिस, वो शाम को आ रहे तो मैं घर पे नहीं रहती थी। तो मैंने उनको फिल्म सिटी बुलाया था कि मेरे को शक्ल दिखा के जाओ, ही वॉज देयर इन कैंटीन। और ये जैसे इंसिडेंट हुआ मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा बॉबी मैं आ रही हूँ कैंटीन, ऐसा ऐसा लड़ाई हुई है, मैं जाने लगी। तो आसिफ जी ने मुझे फ़ोन किया, मैंने फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया, उन्होंने सोहेल के फ़ोन पे किया, सोहेल बोला बात करो एक बार तो बात करो, ऐसे करके उन्होंने मुझे सॉरी बोला, उन्होंने मुझे मैसेज किया। फिर मुझे मेन मालव और अमित चंपक चाचा ने समझाया कि ओके जेनी कूल डाउन, ऐसा होता है फलाना ठिकाना है ये वो। फिर वो ये एक दो इंसिडेंट जाने दिया, ये दो इंसिडेंट जो थे ना इसने, हाँ बाकी ऐसा कुछ हम लोग को उस टाइम नहीं बोला जाता था। लेकिन जब मैं 2016 में लौट के आई तब मैंने बार बार सुनने लगी कि ये रोशन कैरेक्टर हमारा है, ये आप कहीं बाहर नहीं बोल सकते, आप अपने आप को रोशन नहीं बोलोगे, कहीं रोशन लिखोगे नहीं, कहीं भी आप यू नो पारसी इसमें अटायर में नहीं रहोगे, इस टाइप के कपड़े नहीं पहनोगे, ये सब 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 बहुत अच्छा। ये सब के साथ उनने वर्बली किया, गाइडलाइंस बन गई वर्बली सबके साथ, मतलब कुछ मैनेजमेंट में चेंजेस हुए थे इसलिए हुआ ये कि कुछ हुआ वहाँ चेंज की क्या, मतलब हुआ? उनका ये था कि कैरेक्टर्स हमने बनाए हैं, ये कैरेक्टर हो गया शो पैसा आने लगा, हाँ कैरेक्टर हमारा है, ये रोशन हमारी है, माधवी हमारी है, दया हमारी है, इसका लुक और इसका ये चीज कोई, इसका नाम कोई और नहीं कर सकता, क्योंकि तो, बाहर से लोग बुलाने लगे थे आर्टिस्ट को, हाँ, कि आप आइए, तो, आप आइए। तो दो एक बार किसी का हुआ है, 2 से 3 बार कोई कपिल का हुआ है कि उनने बाहर एड शूट की है, अच्छा। और इन दैट टाइप ऑफ अटायर, सपोज मेरा अगर यू नो है अगर तो वैसा ही जुड़ा करके वैसे करके उनका किया कुर्ता वर्ता पहन के, और इन्होंने इन्होंने वहां पर उनको उनको तो बुला के बहुत डांट लगाई ही, और जो जिनने ऐड की थी उनको उनपे इन्होंने केस किया कुछ समथिंग, अच्छा, कुछ लाखों का केस, अच्छा। कैसे हमारे इसका, और उनने वहां यूज भी किया था तारक मेहता के भिड़े में, हाँ, तो वो तो ठीक है, वो समझ सकते हैं, और जो भी अटायर है ठीक है वो उनका, अगर उनको लगता है कि कोई वो फिर तो सभी करने लगेंगे ना यूज, ऐसे दैट इज स्टिल ओके, बट फिर आप अपने आप ये चीज गाइडलाइन पहले तो नहीं थी ना, आप फिर एक्टर को बुला के बोलो कि ऐसा नहीं करना है, है ना, आपको नहीं करना है, तब वो चालू हुआ शायद, उसके बाद से हमारे उसके बाद से चालू बोलना स्टार्ट हुआ कि कोई भी आपके अटायर में बाहर पर्सनल लाइफ में कहीं भी इसको यूज नहीं करना है। तो वापस आपकी एंट्री कैसे हुई, जैसे पहले आपने बताया कि जब आपको प्रेगनेंसी लीव पर जाना था तो उन्होंने आपको छुट्टी दे दी, निकाल दिया, रिप्लेस आपको किया गया, रिप्लेस करके दिलखुश आई थी मेरी जगह, एंड सो 2013 से लेके 2016 जुलाई तक दिलखुश वाज देयर। सो आई रिमेम्बर के दिलखुश ने 13th ऑफ जुलाई को छोड़ा था सीरियल, और मुझे कुछ लोगों ने फोन करके बोला कि दिलखुश ने छोड़ दिया है, अच्छा। तो व्हाई डोंट यू कम बैक, अच्छा। तो मैंने बोला कि यार उनको बुलाना वो बुलाएंगे, आई डोंट वांट टू कांटेक्ट हिम, अगर उनको लग रहा होगा ठीक तो वो बुलाएंगे।
बोले नहीं यू शुड टॉक टू हिम, इट्स प्रोड्यूसर्स ईगो. तो मैंने बोला कि ऐसे ये चलता रहा. 13 तारीख के बाद ये आई रिमेम्बर 21 जुलाई को मुझे गुरुचरण का फोन आया. दैट टाइम ही टोल्ड मी वेरी स्ट्रांगली कि जेनी, क्योंकि गुरु भी जाके वापस आ चुके थे, तो बोले जेनी तुम बोलो आसिफ जी को एक बार. मैंने कहा गुरु आई टोटली बिलीव इन माई प्रेयर्स, सो लेट मी प्रे, आई विल प्रे फॉर एन आवर. If I'll feel that I have to contact him, I will contact him. ऐसा होके मैंने आसिफ जी को 24 तारीख को उनको मैंने उनको फ़ोन किया, 21 को ये रात को फ़ोन किया. उन्होंने फ़ोन काट दिया. उन्होंने मेरे को मैसेज किया कि हाँ बोलो क्या है. मतलब सर कुछ नहीं, नथिंग अर्जेंट, विल टॉक. बोले नहीं मैसेज करो, जो भी है मैसेज करो. ही वॉन्टेड अ प्रूफ के मतलब सर आई हैव हर्ड दैट दिलखुश इज लेफ्ट एंड आई वॉन्ट टू कम बैक एंड जो भी है, अगर कोई भी आपको मेरे से इशू था तो मतलब अगर, क्योंकि उनको ये मालूम था मैं बहुत आवाज़ उठाती थी तो वो उनको खटकती थी. क्योंकि इससे पहले जो सबसे एक चीज़ और हुई थी कि मैंने एक बार उनसे इंक्रीमेंट मांगा था, मेरी प्रेगनेंसी से पहले की बात करी, तो उन्होंने वो इतना गुस्सा हो गए थे कि उन्होंने मुझे 3 महीने शूट पे नहीं बुलाया था, मुझे भुज के शूट पे नहीं ले गए थे वो. अच्छा. तो वो उनके दिमाग में बैठ गया था कि एक तो ये आवाज़ उठाते हैं, क्यों हुए मतलब के साथ खर्चे बढ़ते हैं, इंक्रीमेंट मतलब सबका जैसे बहुत अच्छा जो भी किया था मेरा ऐसे बिल्कुल यू नो इतना सा. मैं सर क्या होता है इतने से इंक्रीमेंट में, आप खुद सोचो. मेरा ऐसा भी नहीं कि इतना बहुत दिन शूट हो रहा है, मेरा 15 दिन शूट हो रहा है ना उस हिसाब से. तो उन्होंने मतलब वो बहुत नाराज हो गए, तब से मुझे वो दिखता था, गुस्से में ही रहते थे. देन उसके बाद मैंने वही बोला, मैंने कहा सर अगर आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो मैं नहीं बोलूँगी कोई चीज़ के लिए, अगर क्योंकि आवाज़ भी उठाती थी और ये वाली भी 2-3 चीज़ें जो उनको थी. एक बार मैंने उनको ये भी बोल दिया था कि जब मैंने मेरे रोज बाल कर्ल्स किए जाते थे तो ऑलमोस्ट 6 महीने में मेरे बाल ना आधे हो गए थे क्योंकि टोंग करना रोज. तो मैंने फिर सडनली एक बार स्ट्रेट करना स्टार्ट कर दिया. तो वह चिल्ला रहे थे मुझे कि स्ट्रेट तुमने ऐसे किसे किया. मैंने कहा सर तो फिर आप विग बना के दो. मैंने कहा मेरे बाल में टकली हो गई आधी, मैं कैसे करूँ, मैं क्या कहाँ से कराऊंगी, आप कराओगे मेरा हेयर विविंग. तो फिर वो चुप हो गए. तो ये सब चीजें थी ना, तो 2-4 बार ऐसे छोटे छोटे खटके हो चुके थे. तब तक सोहेल कहीं पिक्चर में भी नहीं था. ही वॉज शेड्यूलर दैट टाइम, वो लिखता था यू नो, शेड्यूलिंग करके हम लोग को मैसेज करता था. तो जब मैं लौट के आई मैंने उनको मैसेज किया एंड देन देयर वाज नो हियरिंग बैक, उनके तरफ से कोई मैसेज नहीं. कितने महीने तक? सो 21 को मैंने उनको मैसेज किया एंड 12 अगस्त को, मतलब 11 अगस्त को एग्जैक्ट 20 डेज बाद उन्होंने मेरे को पार्टी में बुलाया. दोपहर को फ़ोन किया, आज रात को 2000 एपिसोड की पार्टी है, आ जाओ. आई वेंट देयर, उन्होंने मेरे को बोला कल सुबह, सोहेल ने मेरे को बोला कल सुबह 11 बजे से तुम आपका शूट है. तो आई वाज लाइक अरे अरे बताओ तो, अरे 3 साल की बच्ची है, मेरे को पैक करना होगा सामान, सब चीज़ करनी होगी, कुछ मालूम ही नहीं है ना. दैट इज़ वेरी सडन, बट हो गया, वो स्टार्ट हो गया. तो 12 अगस्त 2016 आई स्टार्ट रीस्टार्ट. तब तक दिशा वकानी भी जा चुकी, तब दिशा थी उसके 1 साल बाद हो गई है, 1 साल तक थी. तो क्योंकि दिशा, मैं, नेहा, हम लोग तीनों वैनिटी पार्टनर थे टिल माय 5 इयर्स. व्हेन आई केम बैक तो दिशा और मेरा रूम था और सोनालिका को मतलब कैसे, अंबिका और सोनालिका का रूम कश्मीर था, हमारा रूम राजस्थान था. बिकॉज वहाँ इतना चिल्ड था कि मैं और मतलब हम लोग ऐसे कांपते थे और हमारा रूम ऐसा था कि एसी चलता ही नहीं था. मतलब मेकअप दादा हमारे यहाँ रोज आके, अरे ये क्या है जेनी जी, सोना जी प्लीज़ यार बंद करो तो भाई, आप लोग एसी रखते क्यों, और उनके रूम में ऐसे अरे अरे ठंडी लग रही ऐसा होके वहाँ स्वेटर डर, मतलब मेरी जो हेडड्रेसेस हैं वो बेचारी यू नो पहन के मोटे मोटे कपड़े पहन के जैकेट वैकेट पहन के जाती हैं. तो सोनालिका को एसी सहन नहीं होता था. तो वो जस्ट में जब गई तो, और दिलखुश जब गई तो वो, क्योंकि दिशा को भी एसी कम चाहिए रहता था, तो वो दिशा के साथ शिफ्ट हो गई थी. तो हुआ ये कि फिर मैं, सोना और दिश, हम तीनों साथ में थे. फिर 1 साल बाद दिश गई तो फिर मैं और सोना हो गया. तभी इतने साल से सोना और मैं थे साथ में. जब दिशा वकानी गई, वो भी प्रेगनेंसी और शादी तब भी टाइम में गई, तो उनको छुट्टी दे दी गई. हाँ मतलब शी वर्क टिल 9 मंथ्स. उसने 9 महीने तक काम किया और उसने बहुत, हैट्स ऑफ टू दैट लेडी, मतलब जिस हिसाब से उसका हुआ था उसको लास्ट में. तो जब 9 मंथ्स उसको सीढ़ी चढ़ना मना था, उसको स्ट्रेचर पे उठा के, सेट स्ट्रेचर पे करके ऊपर ले गए क्योंकि ऊपर कोई सीन था ऐसे करके. और फिर क्लोज अप शॉट्स उनके लिए,
हाँ उसका तो उसका मतलब जो भी वो मुझे इतना ध्यान नहीं है उस टाइम मैं बट ये सजेशंस आपने आपकी प्रेगनेंसी के टाइम पर भी दिए थे वो नहीं हुआ अभी उनके हिसाब से ये ना कि दिशा के बिना शो नहीं चल सकता या जो भी उनको होगा या अब के मतलब वो प्रेग्नेंट होके अभी उसका थोड़े दिन कैरेक्टर नहीं दिखाएंगे उनको लगा होगा वो वापस आ जाएगी बट द थिंग इज फिर उसको नहीं आना था नहीं आना था दिशा वकानी और आपकी काफी अच्छी दोस्ती भी रही है और ये भी सुनने को मिला है कि काफी आप लोगों की लाइफ मैच होती है जैसे आपके हस्बैंड का नाम मयूर है उनके भाई का नाम मयूर है बर्थडेज भी मैच होती है आपकी डॉटर की और ऐसा कुछ है बहुत बताइए दिशा वकानी के बारे में क्या बोलते हैं पूरा ये करके आए हो आप कनेक्शंस सब पूरा तैयारी है आपकी इतने दिन से आप ही के बारे में पढ़ रहे थे ओके सो दिशा और मैं हम लोग 5 साल वैनिटी में रहे हैं शी इज द मोस्ट सपोर्टिंग ड्रीम टू वर्क विद टाइप ऑफ एक्ट्रेस एंड बहुत दिल लगा के करती है शुरू में तो उसने 30-30 घंटा काम किया है पूरा 24 घंटे काम करके फिर 6 घंटे बाद जाके फिर के ऐसे बहुत वैसे बैठे बैठे सो जाती थी एंड शी वॉज वेरी कोऑपरेटिव इन द सेंस के हम 3 जन वैनिटी में थे मैं नेहा दिशा तो एक वैनिटी एक बेड नेहा का होता था मैं और दिशा आधा आधा शेयर करते थे तो अगर मुझे लेटना है तो हमेशा जेना तुम लेट मैं आऊँगी रूम में जेना तुम लेटो दिश तू बैठ लेट ना नहीं नहीं मेरे को तो वैसे भी सूट नहीं करता मेरा तो जूड़ा खराब हो जाएगा वैसे करके कुर्सी पे लेटी लेटे सो जाती थी एंड जैसे अगर वो मिरर के सामने भी बैठी है तो अजय ना आ गई आ जा तू यहाँ मतलब अरे एक मिनट मैं बैठ जाऊँगी मिरर बड़ा है मैं इधर बैठ जाऊँगी नहीं नहीं तुम यहाँ बैठो मतलब वो हर चीज़ में सपोर्टिव एक्सट्रीमली सपोर्टिव तो दिशा और मेरे मतलब वैसे तो बहुत पढ़ती थी बहुत मस्ती होती थी वो बहुत नौटंकी थी उसने मेरी हजारों फोटो खींची शी वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ फोटोग्राफी लेकिन इट वॉज सरदर्द था उसके सॉरी दिश सरदर्द था उसके साथ फोटो खींचना क्योंकि वो एक बार फिर पकड़ लेती उसको जब तक उसका करेक्ट उसके पसंद का फोटो नहीं मिलेगा वो आपको खड़े करके रखती थी एक मिनट यहाँ से एक मिनट रुको यहाँ से एक पत्ती लेगी यहाँ से एक झालर लेगी एक मिनट ऐसे ऐसे करके मेरा इतना सा कैमरा था बहुत सुंदर कार्ल ज़ियस का 2000 का मोबाइल था उस टाइम पे रिलायंस का उससे वो फोटो खींचती थी बहुत सुंदर अभी भी फोटोज मेरे पास है बहुत अच्छी अच्छी फोटोज खींची उसने मतलब उसको जो चाहिए था ना वो खींचती थी पूरा तो ऐसा बहुत मस्ती होती थी एंड सिमिलैरिटी ये है हमारे में कि मेरे हस्बैंड का नाम मयूर उसके हस्बैंड का और उसके भाई दोनों का नाम मयूर मेरी मेरा बर्थडे 27 नवंबर उसकी बेटी स्तुति का बर्थडे 27 नवंबर मेरी बेटी का बर्थडे 26 अगस्त मयूर भाई उसके ब्रदर का बर्थडे 26 अगस्त मैं पवई में रहती हूँ वो पवई में रहती है तो मतलब बहुत सारी चीजें और भी कुछ चीज थी अभी याद नहीं आ रही मतलब ओवरऑल टू मच कनेक्टेड अभी मिलना होता है उनसे नहीं अभी नहीं मैं मतलब जब उसकी बेटा हुआ था तब मैंने उसको बोला था कि देश आके मिलती हूँ फिर ऐसा हुआ उसने मतलब जनाबी मैं बाहर हूँ ऐसे करके फिर उसके बाद दिशा वकानी के नहीं आने की बातें जो आई थी वो ये कि वो बहुत डिमांड कर रही है प्राइस हाइक मांग रही है एक नर्सरी मांग रही है बच्चे के लिए तो क्या सीन रहा था ये तो नहीं मालूम मुझे इतना डिटेल में नहीं मालूम लेकिन ये जरूर मालूम है कुछ टाइमिंग का इनका ये हुआ था मतलब शायद दिशा ने कुछ जैसे मेरे को एग्जैक्ट नहीं बोल रही ठीक है मुझे ऐसा कि जैसे 6-7 घंटे उसने बोला होगा काम करेंगे आसिफ जी ने बोला नहीं 10 घंटे तो करना पड़ेगा ऐसे करके ये उनका ये चल रहा था फाइनली ऐसे करके उनका मांडवेली हो गया था कि ओके चलो वट एवर 9 आवर्स यू विल गिव एंड देन ऐसा सुना था जो हमको पता चलता था कि शी डिडंट वांट टू शूट ऑन सैटरडे संडे नहीं शूट करना था और नाइट शूट नहीं करना था अच्छा। जिसके कारण वो नहीं आई ऐसा पता चला है मतलब एक बार तो आके सेट पे गई हम सबको उसने सेट पे बोला कि कल से मैं आ रही हूँ ऐसे ऐसे करके पूरा सब और फिर वो नहीं आई तो दिशा वकानी का तो प्रोमो भी शूट हो गया था मतलब पब्लिक में अनाउंस हो गया था दया बहन वापस आ रही है फिर क्यों नहीं आई वो हमको यही पता चला कि कुछ इशू है अब क्या इशू है पता नहीं मतलब वो इज नॉट बिकॉज दिशा इज नॉट वेरी वोकल अगर उससे कुछ बात करो ना मैंने इतने साल में मैंने सिर्फ उसको नहीं बोला है बहुत बार क्योंकि हम दोनों मैसेजिंग हमारी काफ़ी होती है तो जैसे उसको जैसे मेरी बेटी कथक सीखती थी तो उसको अपनी बेटी के लिए कथक का चाहिए था तो उसने मुझे पूछा था फिर अभी उसको कोई दूसरी कथक वाली मिली तो क्योंकि मेरी बेटी की टीचर कहीं चले गई तो उसने मुझे पूछा जेना ये है अच्छी इनसे कर ले ऐसे ऐसा इस टाइप की बातें हमारी होती है बट बाकी अब पर्सनल बातें होती है तो मैंने उसको पूछा भी कई बार मैंने सिर्फ इतना ही बोला क्योंकि मुझे मालूम है उस बारे में बात करना पसंद नहीं करती थी मैंने इतना ही बोला मैंने कहा दिश तू
आ जाना यार वापस तू, हाँ आएंगे जे ना आएंगे. मैंने कहा आ जाना देश, अच्छा नहीं लगता. मतलब बहुत बार में मुझे रोना भी आया. अभी लास्ट ईयर हम लोग ने सबने उससे वीडियो कॉलिंग पे बात किया था, उसने मुझे वीडियो कॉल किया था, तो मैं शूट पे थी, हम सब लेडीज थी, तो हम सब ने एक करके वीडियो कॉल पे बात किया था. एक और चीज मैं जानना चाहूंगी कि जैसे आप गए थे प्रेगनेंसी पर, आपको रिप्लेस किया गया, दूसरी एक्ट्रेस को लिया गया. अभी शैलेश लोढ़ा भी गए तो उनकी जगह दूसरे तारक मेहता को लिया गया, सचिन श्रॉफ को लिया गया. दिशा वकानी को रिप्लेस नहीं किया गया आज तक, क्यों? शी इज इररिप्लेसेबल. इन लोग बहुत ऑडिशंस बहुत लेते हैं. एक बेचारी लड़की को तो ऐसा सुना है, मतलब मालूम है कि 3 साल से उसका ऑडिशन ले रहे हैं, दिल्ली से उसको बुलाते हैं. शी इज 100% दया. द ओनली थिंग इज शी इज वेरी यंग. अच्छा. शी इज आई थिंक 28-29 की है वो, तो बहुत एज गैप दिखेगा घर के. उसका नहीं हुआ बट बिल्कुल दिशा. हमारा उसके साथ मॉक शूट हुआ है हमारा, दिलीप जी का, अपना अमित का और टप्पू सेना का, सबका अलग अलग मॉक शूट. हमारा लेडीज वाला भी बिल्कुल, मतलब शी इज लाइक रेप्लिका. आप सोच भी नहीं सकते. ऑफकोर्स थोड़ा फेस अलग है बट तैयार होगी. और अगर आपने आंख बंद की तो आपको आप फर्क ही नहीं पता कर सकते, इतनी गजब की एक्ट्रेस है वो. फिर भी फाइनलाइज नहीं हुआ अभी तक वो एज. उनका ये कहना था कि एज बहुत छोटी है. अच्छा. मतलब वो टप्पू से भी छोटी लग रही है ऐसा उनका कहना था. तो फिर कैसे ये जो तारक मेहता शो है इसमें आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? वैशंकर पांडे, मतलब चालू पांडे. हां मुझे वो ऑन स्क्रीन एंड ऑफ स्क्रीन दोनों बहुत अच्छे हैं. मतलब बहुत मस्ती खो रहे हैं वो, बहुत फिल्मी है. सबसे मेन चीज ना, इज वेरी फिल्मी टाइप का. तो वो हमेशा कुछ फिल्मों की स्टोरी सुनाएंगे, ये सब जो उन्होंने फिल्म की है, या तो फिर वो फिल्मी बातें करेंगे, फिल्मी एक्टिंग. सडनली जैसे सेट पे भी है तो वो एकदम से, मतलब अगर उनको बंदूक भी निकलनी है तो अगर बंदूक आप ऐसे निकालोगे तो वो ऐसे करेंगे, ऐसे पूरा ओवर एक्टिंग. और वो इतनी एक्टिंग करते हैं तो इतना मजा आता है. मतलब बहुत वो जब सेट पे होते हैं ना तो खूब मस्ती होती है, मतलब खूब मजा आता है ऐसा. जेनिफर ये बताओ कि अगर रोशन भाभी का किरदार नहीं करती तो कौन सा किरदार आपको करने की इच्छा थी? वेरी डिफिकल्ट, पता नहीं. नहीं, आई डोंट थिंक सो, नहीं कर पाती शायद. मेरा यही सही है. यही सही है. एक किरदार जिसे हम बहुत मिस करते हैं, नट्टू काका. वो कैसे थे सेट पे? और जब नट्टू काका बीमार थे, कैंसर में थे, तब जब खबरें पढ़ते थे तो बहुत इमोशनल हो जाते थे हम लोग भी, कि उन्होंने एक रिक्वेस्ट की कि जब मेरा अंतिम संस्कार हो तो मेकअप करके ही हो, मैं एक एक्टर हूँ और एक्टर की तरह ही मरना चाहता हूँ. कैसे थे? ही वाज द मोस्ट स्वीटेस्ट पर्सन ऑन अर्थ. बहुत क्यूट थे उनकी. जैसे मुझे एक चीज़ याद है कि कुछ बोल रहे थे वो, आई डोंट रिमेम्बर समथिंग. हम लोग बैठे थे, मैं, दिलीप जी, मंदार, तन्मय, श्याम, अमित और नट्टू काका खाना खा रहे थे. तो मैं इन लोग के साथ ही खाना खाती थी रोज, मतलब मेरा जब शूट होता था ना इन लोग के साथ ही मेरा फिक्स रहता था. तो नट्टू काका कुछ बड़ा क्यूट सा कुछ बोल रहे थे. मैंने कहा नट्टू काका आप कितने क्यूट हो, आपको कोई लड़की ने कभी प्रपोज नहीं किया? तो बोलते कहाँ ऐसे उनने किया. और हम लोग सब हंसे. तो दिलीप जी बोलते कहाँ बोल रहे, अफसोस कर रहे हैं वो. तो मैंने बोला और क्यूट हो, आप तो ऐसे बोल रहे थे और क्यूट है ना. इतने स्वीट थे वो, हमेशा आते थे मुझे, वो हमेशा बोलते थे गुजराती में कविता बोलते थे मुझे देख के, तो मेरे को वो तूफानी छोकरी बोलते थे. तो जब भी मैं आती थी ना, क्योंकि मैं सेट पे ऐसे ऐसे करके कूदा फांदी ये वो, इसका मस्ती किया, इधर कुछ किया, कोई समोसा खा रहा तो उसका समोसा छीन के खा लिया, ऐसा सब मेरा बहुत चलता था. या कुछ भी करना ना, कीड़े, हम उसको कीड़े बोलते थे, कुछ भी नौटंकी करके जाना, तो वो मुझे बोलते थे रे तूफानी छोकरी. तो उनने मेरा एक कविता कुछ, ए तूफानी छोकरी, ए तूफानी छोकरी, ए वी लागे जेवी बिलाड़ी नी टोकरी, ऐसा मुझे वो जब देखते थे वो यही बोलते थे. और एक दिन मैं बैठी रो रही थी तो मेरे पास आए कि कैमरा रे छे, उनका कहीं नहीं, बोला रे मज़ा नहीं आ रहा, नहीं ये जेनी नहीं चाहिए, हमको मस्ती वाली जेनी चाहिए. तो ऐसे करके मतलब, तो ही वॉज वेरी, लास्ट 2 साल से तो वो मैंने उनसे उनको सेट पे देखा नहीं था. एक बार जो लास्ट उनको देखा है दैट वॉज आई थिंक उनकी डेथ के 2-3 महीने पहले, अगस्त, हाँ 1 महीने पहले. तो 1 महीने पहले उनको देखा था. वो आए थे सेट पे? हाँ सेट पे आए थे. और इतना हमको नहीं मालूम था उनका, लाइक उनका पैरालिसिस के कारण मुंह टेढ़ा हो गया था. एंड ही केम एंड वन ऑफ द रिप्लेसमेंट आर्टिस्ट वांटेड टू गेट पिक्चर विद हिम, कि वो शी वाज मीटिंग हिम फॉर द फर्स्ट टाइम. तो सोहेल वहाँ खड़ा था, तो सोहेल ने बोला नहीं नहीं कोई फोटो नहीं, एक मिनट आप जाओ
नटू काकन बोले एक मिनट दिलीप भाई थी मिली लूँ, अमित थी मिली लूँ, जरा हेलो करो, नहीं नटू काका आपकी गाड़ी ऑटो खड़ी है, जाओ इनको छोड़ के, उनको ऐसे अलग भेज दिया उनको, क्योंकि उनको दिखाना, इनको पब्लिक में दिखाना नहीं था कि नटू काका का फेस पैरालाइज्ड हो गया। तो वो बहुत दुखी होके गए, मैं और वो रिप्लेसमेंट आर्टिस्ट हम दोनों रूम में आके रोए हैं कि यार क्या है, डेथ के एक महीने पहले की बात है। एंड इट वॉज अनबिलीवेबल, क्योंकि इतने स्वीट आदमी, एंड शी क्राइड के मतलब यार मेरे को एक फोटो लेनी थी, ऐसा मैं क्या गुनाह कर रही थी। मैंने कहा वो जो भी हैं वो अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं कि बाहर अभी ऐसी, मतलब हम जैसे हमारे जो बंधन थे कि हम मतलब मैं और अगर माधवी हैं तो कॉस्ट्यूम में तो हम फोटो डाल नहीं सकते। मैं और माधवी अगर जीन्स टी शर्ट पहन के कॉफ़ी पीने गए हैं सीसीडी में, वो भी नहीं डाल सकते। आप देखो कोई भी नहीं डालता, अलाउड नहीं, सब बस अजीब से कहीं बाहर बताना नहीं है कितनी दोस्ती है, बाहर हर जगह सिर्फ यही मालूम चले ये रोशन है, ये माधवी है, ये व्हाटएवर ऐसा। बाकी इसके अलावा कुछ आपको कुछ सोशल मीडिया पे डालना नहीं है, कोई सब चीज़ में बंधन है। नट्टू काका के बारे में एक बात ये भी आई थी कि आप ही ने बताया था शायद कि रुला दिया था उन्हें एक बार। हाँ, तो ये मोनिका ने भी शेयर किया था और मैंने भी देखा, एक बार मेरे साथ हुआ है, मोनिका ने भी बताया। ये सब जानते हैं, लाइक एवरीवन ऑन द सेट हैज सीन हिम क्राइंग, एवरीवन, बिकॉज सोहेल उनको अक्सर रुला देता था। अब उनका शूट ही वैसे ही बहुत कम होता था क्योंकि वो उनका दुकान के सीन्स होते थे, तो कभी जैसे उस दिन का मुझे कुछ ध्यान है, कुछ उनको शायद कुछ एडजस्टमेंट चाहिए था, कुछ मालूम नहीं कोई चीज़ के लिए ऐसा कुछ होगा, मतलब जो उनने मुझे थोड़ा बहुत बताया था। तो ही वॉज क्राइंग बहुत जोर जोर से, मैंने बोला क्या हुआ, कैमरा रोज, बोले हाँ कीड़े पड़ेंगे सोहेल को, सत्यानाश होगा इसका, सत्यानाश होगा। मैंने कहा सू थी, तो बोले अरे एक दिवस नहीं रजा जो ये छे नहीं करता है, चिल्लाता है गंदी रीत से, बहुत मतलब सोहेल बहुत गंदी तरीके से चिल्लाता था, तो वो किसी को नहीं छोड़ता था। तो नट्टू काका को उसने इस तरीके से मतलब गंदे तरीके से बात की, उनको एक दिन की छुट्टी चाहिए थी। हाँ, पर ये बहुत बार हुआ है, ये एक बार की नहीं, नट्टू काका को बहुत जन ने बहुत बार रोते हुए देखा है, सोहेल ही रुलाता था हमेशा, आसिफ जी नहीं। इतनी बड़ी टीम थी लेकिन सबके साथ कुछ ना कुछ हो रहा है, जैसी चीजें बाहर आ रही है, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं आर्टिस्ट जो बाहर वाले हैं। देखो अभी ये कैसा हो गया, इनसाइडर्स वर्सेस आउटसाइडर्स, जो अंदर वाले हैं वो सब कॉन्ट्रैक्ट में हैं, सो दे विल नॉट से, शायद जब छोड़ेंगे तब बोलें। फील वो भी कर रहे होंगे कि ये चीज गलत हुई है। बहुत लोगों ने मुझे फोन किया है कि वी लव यू, तेरे जाने से हम सबका फायदा हुआ है, यहाँ पर सडनली 15 साल बाद पहली बार मीटिंग रखी गई, पूछा गया आपको कोई इशू है, जो आज तक कभी नहीं किया, आपको कोई इश्यू है जेनिफर जैसे तो अभी बता दो, ऐसे सब पूछा, ऐसे पूछेंगे तो कौन बोलेगा। एंड सब चीज़ बहुत टिप टॉप हो गई, जिसको छुट्टी चाहिए अभी सब एक एक करके 10-10 दिन की छुट्टी पे घूम के आए हैं, डिसिप्लिन हो गया, कोई चिल्लम चिल्ली नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, ऐसा पूरा सोहेल और जतिन शांति से अंदर चले जाते आते, ये मुझे बहुत लोगों ने अंदर से फोन करके बताया है कि वी आर सॉरी फॉर यू, बट द थिंग इज के ऐसा है कि तेरे जाने से हमको फायदा हुआ है, और रुक जा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने, तो अभी इसकी बाट लगाएंगे, आसित मोदी सोहेल दोनों की बाट लगाएंगे। तो लेट्स सी, वो तो कथनी और करनी में फर्क होता है, देखते हैं। कमिंग टू दैट डे, क्या हुआ था उस दिन कि मतलब सो मैं अच्छे से काम कर रही थी, क्या दिन का, होली का दिन था, या सो क्या होता है ना, एक अगर आप बोलो कि जैसे अक्सर मैं कमेंट सुनती हूँ पढ़ती हूँ अगर थोड़े बहुत, तो लोगों का ये कहना है 15 साल से बात क्यों, तो 15 साल तक तो कुछ था ही नहीं, कोई इश्यू ही नहीं था, टिल 2018 तक देयर वाज नॉट इवन, यू नो, ऐसा कुछ नहीं था कि आप इतना बड़ा शो छोड़ के चले। शो ने फेम भी दिया है 100%, आई एम देयर बिकॉज ऑफ दैट, ओनली आप इंटरव्यू ले रहे हो उसकी वजह से, तो शो में ये मैं था कि आई वाज ग्रेटफुल फॉर द शो, ठीक है चल रहा है, थोड़ा बहुत जो भी हो रहा है ओके, लेकिन 2000 हाँ अक्टूबर 2018 के बाद जो सोहेल का मेंटल हरासमेंट हुआ, बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए, सीरीज ऑफ इंसिडेंट्स, आई ऑलरेडी स्पोकन अबाउट दैट, मेरा पासपोर्ट का क्या पोजीशन पे है सोहेल, क्या संभालते हैं, ही इज द प्रोजेक्ट हेड, अच्छा, तो ऑपरेशन हेड प्रोजेक्ट हेड, तो आसित मोदी की जगह ही, सो सब उसको जूनियर आसित मोदी बोलते हैं, ओके, वो सब डिसीजंस वो लेता है, इवन आसित जी भी उससे डरते हैं, ये ऐसा सोहेल भी बोलते थे और ऐसा सब बोलते थे, और देखा भी हमने बहुत चीज कि वो एकदम उसको से बोलते शांति रखो शांति ऐसे करके ना बोलते थे। सो 2018 तक तो कुछ था नहीं,
2018 के बाद ये मेंटल हरासमेंट चालू हुआ, मेरा हाफ पर डे काटा, मेरा पेमेंट रोक लिया, मैं आसिफ जी का जो सेक्सुअल हरासमेंट वाली सब चीज़ें उन्होंने बोली, सोहेल ने जो मेरे बेटी का पासपोर्ट का इंसिडेंट था, एक पासपोर्ट का उसने अपॉइंटमेंट कैंसिल करा के सब बहुत गाली गलौज किया मुझसे, फिर वापस बोला कि उसी दिन ले लो, ऐसे सब मतलब ये सब बहुत सारी चीज़ें हुई, क्योंकि मैं इतना बोल चुकी हूँ, मैं नहीं बोलना चाहती उस बारे में। तो ये सब होके मैंने सोहेल को बोला था 2019 में कि मुझे छोड़ना है, तो उसमें भी मुझे दबा दिया गया कि आप नहीं छोड़ सकते, आप छोड़ोगे तो आपका 4 महीने का पैसा रोक लेंगे, आपको अगले 6 महीने तक भी काम करना पड़ सकता है, 4 महीने तक भी, जब तक नई रोशन नहीं आएगी, जबकि मैं उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट में भी नहीं थी। तो फिर मतलब जो भी मैं बोल रही हूँ और हमारे हिसाब से करना पड़ेगा, हो सकता हम बुलाएं, हो सकता हम ना बुलाएं, ऐसा। तो मतलब मैं अभी पैसा भी नहीं मिलेगा, बाहर घर पे भी बैठूंगी, मैंने कहा इससे अच्छा तो ये मेंटल हैरेसमेंट सही करके मैं कंटिन्यू किया, वो चल रहा था कि चल अवॉइड करते गए वो, बट आफ्टर लॉकडाउन इन लोगों का एटीट्यूड काफ़ी अच्छा हो गया, सोहेल का भी, सोहेल से तो मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, बहुत अच्छी, ही यूज्ड टू गेट कार्ड रीडिंग फ्रॉम मी, मेरे से हीलिंग का कुछ पूछता था वो, बहुत हम लोग बैठ के घंटों घंटों बातें करते थे, यू नो पर्सनल चीज़ें शेयर करते थे, उसके बच्चे हुए थे तो उसने सबसे पहले मुझे मैसेज किया था सुबह, उसको ट्विंस हुए थे तो, एंड देन 7 मार्च को होली थी, 7 मार्च 2023, तो जिस दिन खेलते हैं होली, तो पहले वो 8 मार्च को गवर्नमेंट ने छुट्टी डिक्लेयर की थी, तो इसलिए मैंने 7 मार्च की छुट्टी नहीं मांगी थी कि यू नो पहले 8 मार्च को थी, कि 7th को तो ये एडजस्ट हो जाएगी, नहीं 7th को डिक्लेयर की थी, 7th का पहले था छुट्टी डिक्लेयर, तो मैंने छुट्टी नहीं मांगी थी, सडनली इनने 8th की छुट्टी डिक्लेयर कर दी गवर्नमेंट ने, तो मैं फंस गई यहाँ कि अरे मेरा तो अभी एनिवर्सरी भी है और होली भी है, एनिवर्सरी मैंने बोला चल ठीक है वो तो डिनर कर लेंगे कुछ हो जाएगा, बट मुझे ये था कि मेरी बेटी के साथ 2 घंटा होली खेलना था। मैंने 6 तारीख को हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर है ऋषि दवे, मैंने उसको बोला मेरे को ऐसा आधा दिन ऑफ चाहिए, तो बोले मैम वैसे तो हो जाएगा कोई इशू नहीं, मैंने कहा 2 घंटे भी मिलेगा मुझे चलेगा, मुझे मेन सुबह 11 से 1 के बीच में टाइम चाहिए है, वो टाइम पे मेरे सोसाइटी में होली होती है, तो मुझे सिर्फ मेरी बच्ची के साथ थोड़ा सा खेल के आना, तेरे को चाहिए तो मैं सुबह आऊँगी, आके चले जाऊँगी, देन वापस आ जाऊँगी, है ना। तो बोले हाँ हो जाएगा, मैंने सोहेल को भी बोला, सोहेल ने बोला डायरेक्शन टीम कर रही है जिस, तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैं जब जा रही हूँ तो जतिन ने मुझे बोला कल सुबह 7 बजे आपका फर्स्ट शॉट, तो मैंने कहा, मैंने ऋषि की तरफ ऐसे देखा, मैंने कहा तूने तो बोला था 2 बजे के बाद बुलाएगा, तो मैंने डोंट वरी आई लीव यू अर्ली। मैं अगले दिन गई 7 बजे और इनने 11:30 बजे करीबन मेरा एक सीन कंप्लीट किया और मुझे दूसरे सेट पे जाने को बोला। तो मैं दूसरे सेट पे जब गई तो हर्षद सर ने, मैंने बोला, मैंने दूसरे सेट पे हर्षद सर को फ़ोन किया, अभी मेरे ही काम था तो मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा सर ऐसा ऐसा है मेरा क्लोज ले लो तो मेरे को जाना है, तो बोले अच्छा तू जल्दी आ जा, किसके साथ है तेरा, मैंने कहा मुनमुन और अंबिका के साथ, बोले आ जा तू। तो मैं गई फटाफट तैयार हो गई चेंज वेंज करके, मैं गई सेट पे, तो बोले नहीं अभी तो नहीं हो सकता है, अभी यहाँ का हो रहा है वो उधर है तुम्हारा। तो मैंने कहा कि सर तो मेरा क्लोज ले लो यहाँ, नहीं नहीं क्लोज नहीं, मुझे 2 शॉट ही चाहिए है। तो नहीं मैं बोले कि अभी यहाँ का हो रहा है तो ये जगह चेंज नहीं हो सकती, तो मैंने, और तुम्हारी जो आर्टिस्ट है अंबिका दूसरे सीन में, तो मैंने कहा सर तो मेरा आप क्लोज ले लो, नहीं बोले जी 2 शॉट चाहिए। तो मैंने बोला कि सर छोड़ दो मेरा क्लोजअप, बोले नहीं, मैंने कहा सर मैं 2 बजे आ जाती हूँ, नहीं, मैंने कहा सर मैं कल आ जाती हूँ, नहीं। एनीवेज मैं रूम में गई, आई वॉज क्राइंग एंड क्राइंग, मैं वापस बाहर निकली, मैंने ऋषि को सेम चीज़ बोली, सेम ऋषि ने बोला नहीं कर सकता, मैं सबका एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, बहुत सारे आती अलग अलग आर्टिस्ट का जो और एडजस्टमेंट है। वहाँ मेरा दिमाग ठनका कि मतलब मैं पागल हूँ क्या, मतलब मैंने भी बोला है तेरे को मेरी एनिवर्सरी है, मेरी बच्ची के साथ मुझे होली खेलना है, 2 घंटे अगर 15 साल देने के बाद 2 घंटे मेरे को, मैं मेरी बच्ची को होली के लिए नहीं दे सकती हूँ, तो मतलब क्या है। तो मैंने उसको बोला कि, तो उसने बोला नहीं मैं सबका नहीं कर सकता करके, मैं रूम में गई, मैं बहुत रोने लगी, बहुत रोने, मुझे एकदम घुटन होने लगी। मैंने मयूर को फ़ोन किया तो उसने मुझे बोला कि तुम घर आ जाओ, तो मैंने बोला इन लोग मेरे को मेरा रोक लेंगे 3.5 महीने का पैसा, बोले रोकने दो, दान दे दो उनको। मैंने बोला इन लोग मेरे को रिप्लेस करें, मैंने करने दो। तो वो मेरे को इतना स्ट्रेंथ दिया ना वो चीज़ ने, मुझे याद है मैं से उठ रही थी तो मेरी रूम पार्टनर ने बोला हैट्स ऑफ टू यू जेना, काश मेरे में ऐसी हिम्मत होती। मैं निकल के आई, मैंने हर्षद सर को जाके बोला, मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, तो बोले अरे नहीं नहीं ऐसा, मैंने कहा सर मैं जा रही हूँ, नहीं होगा, आपको चाहिए मैं 2 बजे आ जाती हूँ, नहीं नहीं जेना, मैंने कहा सर अगर मैं रुकी ना आई विल कमिट सुसाइड, नहीं रुक सकती मैं। तो मैं निकली और मैंने अपना सामान पैक किया, उतनी देर में मैंने एज अ प्रोटोकॉल आई हैव टू इन्फॉर्म जतिन जो हमारा ईपी है, मैंने उसको फ़ोन किया, उसने उसका फ़ोन एंगेज था, मतलब हर्षद सर तब तक
उसको बता रहे होंगे। मैं जब तक सामान पे किया और जतिन कपूर, नहीं मैम रुको मैं आ रहा हूँ जाना नहीं अब। मैं आई, मैंने बोला मैं जा रही हूँ। जतिन बोले मैम आ रहा हूँ मुझे 10 मिनट दो। मैं 7-8 मिनट उसके लिए रुकी, तब तक नहीं आया वो। मैं निकल के कार में जाके बैठी, तब तक जतिन आ गया। उसने आके बोले नहीं मैम आप ऐसा नहीं कर सकते, आप नहीं जा सकते। मैंने कहा जतिन मेरे को जाने दे, अभी मेरे को जाने दे, इट्स 11:45। मेरे को घर जाते थे 12:30 बजे का, 1 बजे मेरे घर की होली खत्म हो जाएगी। मेरी बच्ची को मैंने पूरा साल वो होली का वेट करते हैं यार। आई जस्ट नीड हाफ एन आवर विथ माई डॉटर यार, नथिंग इज, आई विल कम बैक एट 2:00। तो बोले कि नहीं मैम आप ऐसे नहीं जा सकते। उसने सोहेल को फोन लगाया, बोले एक बार बात करो सोहेल से बात करो। मैंने कहा मेरे को नहीं करना। बोले नहीं एक बार बात करो। तो मैंने सोहेल को बोले, सोहेल बता क्या हो गया क्या हो गया। मैंने कहा सोहेल ऐसा ऐसा है ये वो एडजस्टमेंट। तो बोले नहीं आप रुको मैं आ रहा हूँ। मैंने कहा सोहेल मेरे पास टाइम नहीं, अभी 12:45 हो गया, अब मैं रुकी ना। बोले नहीं मैं 2 मिनट में आ रहा। मैंने कहा सोहेल मैं नहीं रुकूंगी, अभी मैं नहीं रुकूंगी करके मैं जाने लगी। तो जतिन ने बोला गेट बंद करो गेट बंद करो। उसने गेट बंद कर दिया। मैंने जतिन को बोला जतिन गेट खोल। बोले गेट बंद रहने देना, इनको निकलने नहीं देना। मैंने कहा जतिन गेट खोल नहीं तो मैं गेट तोड़ दूंगी। तो फिर वो डर गया, तो फिर गेट खोला उसने। मैं बेजैसी बाहर निकली हूँ। और ये अगर सोहेल उस टाइम पे नहीं आया होता ना तो कुछ इश्यू नहीं होता, मैं वापस चले जाती, सब कुछ नॉर्मल हो जाता। दूसरी चीज अगर मालव होता, हर्षद सर की जगह मालव होता ना, ये इशू ही नहीं हुआ होता कभी, क्योंकि वो कुछ भी ऐसे करके ना दूसरा ले लेता और अब जाके तब तक आ जाते, कुछ भी करके वो कर देता है। उसने मुझे अभी कितनी बार बोला कि मैम मैं होता तो करता नहीं। तो मुझे मालव पहले भी कभी कोई चीजें हुई हैं, लेकिन हमेशा तूने कर दिया है, चाहे अपनी बहस हुई है चाहे कुछ, उसने किया है एडजस्ट, यू नो। तो मैं जैसी बाहर निकली तो सोहेल आया, तो एकदम से उसने गुस्से से मेरे कार का दरवाजा खोला। बोले क्या नाटक कर रही हो, क्या नाटक कर रही हो, अभी बताता हूँ क्या कर सकता हूँ। तो वहाँ मेरा टोटल सटकी। मैंने बोला क्या करेगा रे, तो मेरा 3-3.5 महीने का पैसा रुकेगा, रख मेरी तरफ से नीला टेल फिल्म्स को ध्यान है। और क्या करेगा, तो मेरे को रिप्लेस करेगा, आई हैव ऑलरेडी बीन थ्रोन आउट इन माय प्रेगनेंसी। और क्या करेगा, तेरा कंटिन्यूटी का शूट बाकी है ना, आई विल कम एंड डू दैट फ्री ऑफ कॉस्ट, डोंट गिव मी पर डे फॉर दैट डे। एंड आई लेफ्ट। तो मैं, तो उसने ना उस टाइम पे दरवाजा गुस्से से बंद किया, बहुत जोर से बैंग किया और चिल्लाया गेट आउट, 4 बार चिल्लाया गेट आउट कर करके रिप्लेस करो इनको। एंड आई केम, बस उसके बाद देयर वाज नो हियरिंग बैक। उसके बाद आपको कभी बुलाया नहीं गया, कोई फोन नहीं कुछ नहीं। मुझे फिर एक एक करके आई कैन से 80% ऑफ द कास्ट क्रू के भी काफ़ी, क्योंकि सब मेरे से बहुत क्लोज थे, मेकअप दादा, हेड ड्रेसर्स एंड इवन इन दैट केस कैमरा पर्सन, एडीज, सबके अलग 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 मुझे फ़ोन आए। चुपके से ही सबके फ़ोन आते थे, इवन इन दैट केस हर्षद सर, क्योंकि हर्षद सर जैसे मुझे जब ये मीडिया में बात आई तो बोला गया कि मैं ये करती हूँ, यू नो मैं इनडिसिप्लिन्ड हूँ, डिसऑर्गेनाइज्ड हूँ, लड़ाई झगड़ा करती हूँ, ये सब चीज़ें। तो अगर ऐसा था तो हर्षद सर ने मुझे फ़ोन क्यों किया था मेरे आने के बाद, कि नहीं जेनी आ जा, कुछ नहीं छोटी सी चीज़ें अवॉइड करते हैं, काम ऐसा मिलता नहीं, इतना बड़ा सीरियल मिलता नहीं, कब तक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई साइड में रखेगा यार। तो वो हर्षद सर मुझे फ़ोन ही नहीं करते। बट सोहेल जो मुझे पहले बोला गया, सोहेल ने मुझे बोला इनडिसिप्लिन ये सब है, लड़ाई झगड़ा करती है और लेट आती है सब चीज़, जबकि मालव और इन लोग ने बोला, मालव ने बोला कि लेट तो फिर सभी आते हैं, सभी आते हैं, सब कोई लेट आते हैं, आधा घंटा इज नॉट ट्रीटेड लेट। और उसके बाद इन लोग तो चार चार, हर्षद सर तो हमेशा चार चार पांच पांच घंटे पहले बुलाते हैं, उनका फिक्स है, और लेडीज को ऐसे ही बुलाया जाता है। एंड देन सोहेल ने पहले ऐसा स्टेटमेंट दिया, उसके बाद 19th को उसने बॉलीवुड बबल में दिया कि जेनिफर तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो मेरा इसने कितना हीलिंग किया है, इसने मेरे को कार्ड रीडिंग किया है, इसने मेरे को कितना इंपॉर्टेंस सिखाया, हम लोग तो सीक्रेट शेयर करते थे। देन अगेन अभी उसने स्टेटमेंट दिया कि ऐसा था तो इतनी छोड़ के गई, इसको कोई प्रॉब्लम क्यों हुई। इसने बोला कि मैं अभी सुधर गई हूँ, मैं वापस आना चाहती हूँ, सुधर गई, मैंने इसीलिए बोला था भाई कि मैंने जो लड़ाई की थी मैं नहीं करूंगी, मैंने जो कैप्ट फुट डाउन मैं नहीं करूंगी। तो वहां से जो ये हुआ, तो ये फिर इन लोग ने अलग स्टेटमेंट क्यों दिए, मतलब हर्षद सर मुझे फोन ही नहीं करते अगर मैं इनडिसिप्लिन्ड होती, या सोहेल मेरे को फ्रेंड ही नहीं मानता। 15 साल आपने शो किया है, तब इनडिसिप्लिन्ड नहीं थी, तब अनप्रोफेशनल नहीं थी, तो वो फिर निकालते ना, मतलब वो तब अनप्रोफेशनल हो गई, क्योंकि इनको ये लगा कि इनने हमेशा सबके निकलने पे सबको दबाया है, हर एक जन को। शैलेश लोढ़ा, शैलेश जी, गुरुचरण, राज अनटकट, मोनिका, भव्य, ये सबको इन्होंने धमकाया, नेहा, किसी ने कुछ नहीं बोला, बट यू फॉट फॉर योरसेल्फ, आपने आवाज़ उठाई। अब जैसा मैंने अभी आपसे पूरा किस्सा सुना और आपकी स्टोरी भी सुनी, तो मैं ये देखती हूँ कि परिवार में आपने अपने भाई को भी खोया पिछले कुछ समय में, आपकी एक सिस्टर है जो स्पेशली चैलेंज्ड है, तो आप में ये स्ट्रेंथ कहाँ से आई जब पर्सनल लाइफ में इतना कुछ चल रहा है? और स्ट्रेंथ भाई के जाने से ही आई,
तब तक बहुत सारा अंदर दबा दबा था, लेकिन जब वो गया तो मुझे लगा मेरे लिए दुनिया में इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता. दिस इज द लास्ट थिंग. कि अब उसको मैंने जो खोया है कि 21 डेज के अंदर, मतलब तीन, हम रोज 1.5-2 घंटा फोन पे बात करते थे 3 साल तक, 3 महीने तक हम दो, क्योंकि मेरा सडनली बहुत शूट हो रहा था जुलाई अगस्त में, तो मैं मेरे भाई से बहुत कम बात कर पाई. रक्षाबंधन के दिन मैंने उसको सिर्फ ऐसे फोन किया, हैप्पी रक्षाबंधन, दैट वाज द लास्ट डे आई टॉक टू हिम. एंड उसके बाद 15 अगस्त को, अपना 16 अगस्त को पारसी न्यू ईयर था, मैंने उसको 4-5 बार फोन किया, उसने नहीं उठाया. 17 को उसने फोन किया, मैंने गुस्से में नहीं उठाया कि चल मैंने किया था तो तूने उठाया नहीं. एंड 18 को पता चला वो एडमिट हुआ है, और 9 सितंबर को चला गया. और मतलब एक एक दिन करके डिटेरियोरेट होती गई इसकी कंडीशन पूरा. क्या हुआ था उनको? उसको पेट में बहुत तेज दर्द था, और वो दर्द मतलब इतना ज्यादा था, जो नर्स का कहना था कि जब वो रात को अपने आप आके एडमिट हुआ है तो उसका यूएस 200 बार वो पलंग ऐसे नीचे बैठ के रो रहा था रात को. एंड उसको सिवियर पैनक्रेटिस हो गया था. अच्छा. वो ठीक हो रहा था, लेकिन वहां पर जो डॉक्टर्स ने उसको सेडेशन की दवाई दी थी, तो सेडेशन जो ना उसका 3 दिन तक सेडेशन का इंजेक्शन में वो बेहोशी पड़ा रहा. 3 दिन बाद इन लोग ने बोल दिया कि हमको नहीं बन रहा है, आप कहीं और ले जाओ. हमने बोला ये क्या? बोले नहीं, हमको, हम नहीं कर सकते, इसको कुछ होएगा तो हमारे ऊपर नहीं है. उनने वो सेडेशन का देखे ना उसको, मतलब एकदम, क्यों उस टाइम पे क्या हुआ, जो इन्फेक्शन जो था उसका पेट का, वो सब जगह फैल गया. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टैंड. एंड उसके बाद देन वी शिफ्टेड हिम टू नागपुर, वहाँ पर भी था वो, फिर वहाँ तो वो वेंटिलेटर पे आ गया. मैं जो उसको लास्ट देखा है तो ही वॉज द मोस्ट मस्तीखोर, सब कुछ बांध के रखने वाला, सबके साथ मस्ती करने एंड एवरीथिंग. एंड मैंने जो उसको देखा है कि हमेशा कूदते फांदते मस्ती करते, हमेशा मुझे मोटिवेट करते, जिन मतलब वो मुझे हमेशा बोलता था यू आर द लकीस्ट गर्ल इन द वर्ल्ड, तेरे साथ कभी जिंदगी में कुछ बुरा नहीं होगा. वो एक सेंटेंस मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता है, मुझे वो हमेशा बोलता था. एंड दूसरा, जब मैंने उसको वेंटिलेटर पे देखा तो उसका जो लास्ट, उसने मतलब पहचाना भी नहीं ऐसे, बस उसने मेरी तरफ देखा, और उसने क्योंकि उसके हाथ पैर बांधे थे कि वो ये करता था, तो वैसे उसने मेरे को ऐसा ऐसा किया कि खोल, तो मैंने मुंह पे भी उसका वेंटिलेटर, तो मैंने कहा नहीं खोल सकती भाई, मना किया डॉक्टर ने, उसने खोल, मैंने बोला नहीं खोल सकती. उसने मतलब ऐसे, मतलब जो उसका लास्ट जो एक्सप्रेशन मुझे याद है कि खोल ना यार, मतलब ऐसे जो उसने किया ना, मतलब नहीं खोल सकती भाई, माफ कर दे मेरे भाई, मैं नहीं खोल सकती तेरे को. एंड एक दो दिन में उसकी कंडीशन और डिटीरियरेट हो गई. उसका जो वेंटिलेटर था वो निकाल के स्टेटोस्कोपी करके यहाँ पर उसको स्टेटोस्कोपी करके यहाँ पर काट के उसको लगाया गया. एंड 9th of September मैं शूट के लिए निकल रही थी यहाँ से, मुझे खाना भी गले से उतर नहीं रहा था, क्योंकि आई वॉज फीलिंग हिज कम्प्लीट एनर्जी. मेरा सोलर प्लेक्स, मेरा चेस्ट पूरा ब्लॉक हो गया था, क्योंकि आई एम एन एम्पैथ, आई टेक सब सामने वाले की एनर्जी. तो वो जो फील कर रहा था वो मैं टोटली फील कर रही थी, मेरा पूरा ब्लॉक था. तो बहुत दिनों से मैं खाना नहीं खा रही थी, वैसे एकदम दुबली हो गई थी मैं. तो मैंने जब वो जिस दिन 9th of September को मैं सुबह सुबह 7 बजे मेरा शूट था, उस दिन मेहता की एंट्री थी, सचिन श्रॉफ की एंट्री का सीन था. और मतलब मैं पूरी रात ड्रेंड आउट थी, क्योंकि मुझे एक दिन पहले मेरे दूसरे भाई ने, आदिल ने मुझे बोला था कि जेनी आ जा. मैंने बोला नहीं जाऊँगी. बोले जेनी आ जा, तू पछताएगी. मैंने कहा मैं नहीं आऊँगी, मैं नहीं आ सकती, मैं नहीं देख सकती उसको ऐसे. आदिल वहाँ पहुँचा, आदिल भी उसको जिंदा नहीं देख पाया. और मेरा कज़न ब्रदर भी महरनश वहीं था लकीली, और उसकी वाइफ थी वहाँ, तो जो जब तो मालूम भी नहीं था वो प्रेगनेंट है. उसके 1 हफ्ते बाद पता चला वो प्रेगनेंट है. देन मैं निकल रही थी, और मैंने मयूर को बोला सुबह 7:15, मैंने कहा मेरे को 2 ब्रेड दे दो चाय के साथ. मैंने कहा मुझे खड़े भी नहीं होते बन रहा है. एंड ही मेड ब्रेड टी. मैंने इसे खाया है, मतलब कैसे खाया है मुझे मालूम है. मैं इसे यहाँ गेट तक, यहाँ दरवाजे तक पहुँची हूँ, एंड मयूर का फ़ोन बजा. एंड आई वॉज लाइक ये न्यूज़ है. तो मैं पलटी तो मयूर उस तरफ मुँह करके फ़ोन पर बात कर रहा था आदिल से. हाँ, 10 मिनट तक वो बात करता रहा. जैसे ही वो पलटा तो मैंने कहा क्या गया? उसने बोला. एंड देट वॉज द फर्स्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ. आई कांट इवन इमेजिन कि वो धोखे पास छोड़ के गया मेरे को. मतलब हमने इतने वादे किए थे एक दूसरे को कि तू मरेगा पहले तो मैं तेरी आइज डोनेट कराऊंगी, मैं मरूंगी तो तू मेरी आइज डोनेट कराना. और उसके मरने पे ऐसा हुआ कि उसका इतना एंटीबायोटिक ये था कि उसकी आइज डोनेट नहीं कर सकते थे.
तो मेरे लिए जिंदगी का सबसे बड़ा शौक था. आई वाज टोटली डिप्रेस्ड एंड यू नो आई वाज नॉट एबल टू ये के नॉट एबल टू सिंक इन के यू नो कि ये इसके साथ ऐसा हुआ है, ही इज नो मोर. एंड बस उसके बाद फिर मैं तो जब जबलपुर गई तो मुझे तो उसकी बॉडी भी देखनी नहीं मिली, बिकॉज रखने मना किया था डॉक्टर ने. मैं 8 बजे पहुंची हूँ और बॉडी 6 बजे डिस्पोज करनी पड़ी. तो मेरे लिए लास्ट मोमेंट, मतलब एक साल पहले मैं जो लास्ट मेरे बेटी का बर्थडे में उसने इतनी मस्ती की, मैंने पूरे यूट्यूब पे वीडियो बना के डाला है इसका कि मेरी बेटी के बर्थडे में इसने मस्ती की है. पूरा बर्थडे में सब बच्चों के बीच में बच्चा बन के उसने सबको खिलाया है. तो दिस दैट वॉज द वर्स्ट थिंग. लेकिन उसने मेरे को इतना स्ट्रॉन्ग किया, देन ही स्टार्टेड गिविंग मी मैसेजेस इंट्यूशन वाइज. मुझे मेरे एंजल्स मैसेज देने लगे कि हम कुछ कर रहे हैं, तुमको कोई चीज़ में लीड लेना है. वो मुझे बार बार बोल रहा था डोंट वरी मैं तेरे साथ हूँ. बार बार मुझे मैसेजेस देना, इंट्यूशन से नंबर्स दिखा के कुछ ऐसा ही करके कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं ऊपर एंजल्स के साथ जाके कर रहा हूँ कुछ, जस्ट वेट. तो मैं तो यही कहती हूँ, मैंने पहले भी बोला कि नट्टू काका मेरा भाई और मोनिका की मम्मी, तीनों मिलने मिलके ऊपर ही गेम खेला है पूरा. ये थिंग्स विल चेंज. या एंड सिस्टर, नहीं इट्स ओके. एंड सिस्टर इज लाइक शी इज, अभी वहाँ कंडीशन बहुत खराब लगती है क्योंकि नेचुरली ब्रदर वाज द मेन फिजिकल हु यूज्ड टू डू एवरीथिंग. अब मम्मी ओल्ड एज है, सिस्टर में स्पेशल नीड्स है, एंड उन दोनों एक दूसरे को देखती है. मतलब वो घर का झाड़ू पोछा भी खुद करती है कि मतलब फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं है. एंड मैं नहीं करना चाहती, मतलब करने देना चाहती हूँ उनको कि थोड़ा तो उनका हाथ पैर चले. जब आप तो काम करती थी, आप हेल्प करती थी तब तो नेचुरली इतने टाइम से काफी, मतलब जब जब होता था, क्योंकि मेरा भी बहुत इतना कभी शूट नहीं होता था. मेरा पर डे उस हिसाब से मतलब कंपैरेटिवली काफी कम था, बट जितना होता था नेचुरली आई यूज्ड टू डू उनका हेल्प. एंड मेरी भाभी भी तब काम करती थी. मेरे भाई की डेथ के 1 हफ्ते बाद पता चला कि मेरी भाभी प्रेग्नेंट है, वो बेबी रखने को तैयार नहीं थी. फिर मैंने बोला कि मैं देखूंगी यू नो बेबी को लाइफ लॉन्ग, मैं आई विल टेक केयर ऑफ द बेबी एंड देखूंगी इन द सेंस फाइनेंशियली. एंड तो उसकी बच्ची एक और है, मतलब 2 बच्चे, भाभी, मम्मी, सिस्टर और मेरी कजिन सिस्टर, वो विडो है. शी इज ऑल्सो 36 की एज में वो विडो हो गई. तो 3 साल से वो घर में है और उसकी मम्मी पैरालाइज्ड है, मेरी काकी. तो 7 फीमेल्स इन दैट हाउस, नो वन टू लुक आफ्टर. दैट्स वेरी जिस वक्त आपका ये हो रहा था, सेम टाइम पर शैलेश लोढ़ा ने भी ये शो छोड़ा था, तब भी बातचीत बहुत हुई. आपने आके अपनी बात बोली लेकिन शैलेश लोढ़ा चुप रहे, क्या हुआ था उनका? सबका अपना अपना टेक होता है. उनका क्या हुआ था मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम. कुछ इशू हुआ था और फिर पैसा भी उनका रोका गया था. उनका जितना मुझे मालूम है, उनके कोई शो वो उनने किया था सोनी पे, मतलब सब टीवी पे ही कोई शो किया था, जिसके कारण आसिफ जी को ऑब्जेक्शन हुआ था. उसके कारण उनने उनकी बहस हुई थी. तो क्या सेम टाइम पर दूसरे शो या छोटा मोटा भी कुछ हमको करना? तो अलाउड ही नहीं है ना करना. अलाउड ही नहीं करना. मतलब शैलेश जी ने लास्ट अप्रैल में छोड़ा है, अप्रैल 2022, तो तब तक हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं था. तो वो करते थे अपना, वो हमेशा से ही अपने शोज वोज करते हैं वो. तो उनका कुछ ऐसा कुछ हुआ था जिसके कारण, अब उतना नहीं मालूम मुझे उनके बीच में क्या हुआ, कुछ पंगा हुआ था जिसके कारण वो फिर ये शो से चले गए कि मेरे से आत्मसम्मान की बारी बोल के. एंड देन उन्होंने फिर 1 साल तक उनने भी पेमेंट वेमेंट का जो भी वेट किया, अब उनका क्या चल रहा था. फाइनली उन्होंने अभी जब मेरा हुआ उसी टाइम पर उन्होंने भी केस किया. हाँ, ये जो बात है ये बाहर बहुत लेट आई. जैसे मार्च का इंसिडेंट है, उसके इतने लंबे समय तक आपने बात नहीं की. तो सवाल जो लोग देखते हैं वो ये भी कहते हैं कि इतने टाइम बाद क्यों बोल रही हो. मैं देखो, पहले तो मैं बोलना ही नहीं चाहती थी शुरू से. मैंने जैसे बोला ना कि एक वहाँ रह के ना आदत हो गई थी चुप रहने की, कभी नहीं बोलना. लेकिन जब 7 मार्च को भी मैं आ गई घर, मैंने बोला था ओके, मैं ये निकल गई हूँ जगह से. मुझे आ गया मेरे एंजल्स का मैसेज कि योर जर्नी इज ओवर देयर. उसके बाद मुझे रोज भगवान के मैसेजेस आते थे इंट्यूशन कि वी आर डूइंग समथिंग, यू हैव टू टेक द लीड, यू हैव टू टेक द लीड. अब मैं बोला था क्या कर रहे हो, मेरे को कुछ नहीं करना है ऐसे सब करके. इसी बीच देन मैं ठीक है, अभी ठीक है, इन लोग भी नहीं बुला रहे, मेरे को भी नहीं करना, ओके, आई एम ओके विद इट, वट एवर. इन लोग ने 24th of March को मुझे, मतलब आफ्टर ऑलमोस्ट 20 days, मुझे नोटिस भेजा जिसमें मुझे बहुत सारे वेरियस एलिगेशन लगाए कि आपके कारण हमने शूट करना, मेकअप, हेयर ड्रेसर, ये सबको.
तो आपको ये पैसे देने पड़ेंगे और आपको हम सर टर्मिनेट कर देंगे। एंड राइटर का भी नुकसान हुआ है, मतलब राइटर को अलग से बुला के रोशन के सीन लिखवा रहे थे, मेकअप मैन को अलग से मेरे लिए पर्सनल दे रहे थे, हेयर ड्रेसर को मेरे लिए पर्सनल दे रहे थे, एंड आपको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम 24 मार्च को मेरी फ्रेंड के हस्बैंड को कॉल किया, इज अ लॉयर अमित खरे फ्रॉम नागपुर। तो उसने मेरे को बोला जेनी 15 साल के तेरे इंसिडेंट लिख। मैंने लिखा एंड उसने बोला तेरा ये पूरा सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। मैंने कहा तू पागल है अमित? मैंने कहा सेक्सुअल हरासमेंट? मैंने कहा सुन के मेरे हाथ पे ठंडे रहे, आई के नॉट डू दैट। उसने बोला जेनी योर प्रोड्यूसर इज आस्किंग यू टू कम टू द रूम, बोल रहा है तेरे होंठ कितने सेक्सी है, तुम कितनी ऐसा लग रहा है पकड़ के किस कर लूँ, तेरे को बिस्की पीने के लिए बोल रहा है, तेरे को बोल रहा है रूम में आ जाओ, क्या करती हूँ रूम में, ये सब बोल रहा है। तेरा जो सोहेल है तुमको गेट आउट करके निकाल रहा है वहाँ पर, उसने तेरे को गंदी गंदी गालियाँ दी, तेरे पास फोन रिकॉर्डिंग हुआ ये कि इनका जो सो देखो यूनिवर्स कैसे वर्क करता है। आई एम टोटली स्पिरिचुअल पर्सन, आई टोटली बिलीव इन दैट, कि मेरे को तो कुछ करना ही नहीं था। मैं घर पे आई 7 मार्च के बाद, मैं कुछ बोर हो रही थी तो मैं मेरी बच्ची के बचपन के ऑडियो सुन रही थी, और सडनली आई गॉट दिस फोन कॉल रिकॉर्डिंग्स एंड ऑडियो रिकॉर्डिंग्स विच आई शॉट, यू नो आई रिकॉर्डेड लॉन्ग बैक, और मैं फ़ोन से डिलीट कर दी थी, लेकिन कभी वो सिंक हो गए होंगे। और ये कब हुआ था? जब सोहेल ने फर्स्ट टाइम इशू किया था, तब मुझे मयूर ने बोला था जेनी सब फ़ोन रिकॉर्ड करेगी तू आज से, और जब भी इसके पास जाएगी तू वहाँ रिकॉर्डिंग करना। ये क्यों किया होगा मैंने सोचा, यूनिवर्स कैसे कराता है गेम। एंड मैंने बोला यार ये कहाँ से निकला ऐसे करके, और जब मैंने सुना मयूर ने तो सुना जो वो फोन कॉल रिकॉर्डिंग की, जेनी तुम क्या सहन कर रही थी इतने साल से, ये क्या है, तुम क्या सहन कर रही थी, ये काली बकरा तुमको जेनी, तुम क्यों नहीं बोली। तो मैंने बोला आपने तो 2-3 घंटे के फोन कॉल रिकॉर्डिंग सुना, मैं तो वह 15 साल से थी, 5 साल से, तो हर दूसरे दिन का कुछ होता था ऐसा, शुरू में नहीं था, लेकिन 2018 से 2019 मतलब टिल लॉकडाउन ये टाइम बहुत खराब था जो वो सब, और ये मेरे साथ ही नहीं सोहेल सबके साथ करता है। तो ये सोहेल लॉयर ने बोला कि सोहेल ऐसा कर रहा है, जतिन तुम्हारे मुंह पे दरवाजा बंद कर रहा है, तुमको निकलने नहीं दे रहा है, ऑल दिस कम्स अंडर सेक्सुअल हैरेसमेंट। फाइनली हमने फिर मैंने तो भी मना किया, मैंने उसको 4th अप्रैल को सोहेल को नोटिस भेजा सिर्फ व्हाट्सएप पे एक ड्राफ्ट कि ये बात खत्म हो जाएगी। तो फिर उन्हें धमकाते भेजा तो मनी एक्सट्रॉट के लिए करना चाहती हूँ, फिर आई हैड टू गो ऑन 8th अप्रैल को मैंने वेरियस अथॉरिटीज़ को कर दिया। हमारे को ये लगा के मेल भी किया पोस्ट भी किया, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन कलेक्ट्रेट कलेक्टर में डेप्यूटी होम मिनिस्टर आई थिंक, देन पुलिस स्टेशन, फिल्म एसोसिएशन आते हैं इसमें, कोई एसोसिएशन होता है जिसमें नहीं फिल्म में, क्योंकि मुझे लॉयर ने बोला कि अपना पैसे के बारे में है ही नहीं, पैसे को अपन को लाना ही नहीं बीच में, तो आई डिड नॉट गो टू एनी अदरवाइज, नहीं तो सबसे पहले मैं सेंटा में जाती, बिकॉज एक्टर्स के लिए सेंटा इज द बेस्ट, जो वो जिस तरीके से वो काम करते हैं, तो ऑफकोर्स सेंटा विल टेक आउट माई मनी, बट मेरा अबाउट पैसा था ही नहीं, तो मैं वहाँ गई नहीं नेचुरली। बट जो फिर उन्होंने मैंने ये सब अलग अलग जो अथॉरिटीज़ को भेजा, और तो हमको लगा ये कुछ किया जाएगा, तो वो कहीं से कुछ आया नहीं। देन 10th of May को मुझे टाइम्स ऑफ इंडिया वाली जो है उसका फ़ोन आया कि आप शो में इतने दिनों से दिख नहीं रहे हो। नहीं मैंने फ़ोन किया था, मैंने उठाया नहीं, मैंने मेरे लॉयर को फ़ोन किया, मैंने कहा भाई मीडिया से फ़ोन आया है, तो बोले तेरे बारे में पूछे तो तू बोलना, तेरे बारे में नहीं पूछे तो मत बोलना, अगर वो पूछे शैलेश लोढ़ा का क्या या गुरुचरण का तो वो बोलना, पर अपने बारे में मत बोलना। मैंने कहा ओके, तो आई सेड आई वाज प्रिपेयर्ड कि शैलेश जी का मेरा तो नहीं पता चला होगा 2 महीने तक, इमेजिन मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 10th May 7th March 2 महीने तक लोगों को मालूम नहीं, लोगों के पूरी यूनिट के सामने वहाँ चिल्ला के मुझे निकाला गया, बाहर किसी को नहीं मालूम है कि मुझे इस तरीके से निकाला है। ऑफकोर्स ऑल द एक्टर्स ऑल द क्रू नो, दे केप्ट ऑन कॉलिंग मी, कुछ लोगों ने तो मुझे ऐसे भी फ़ोन किया कि सोहेल के ना मैं वाट लगा देगा साले, इतना मेरे को भी इतना परेशान किया, मैम आपने सही किया, ऐसे सब भी हुआ है। तो उस दिन फिर मुझे उनको बताना पड़ा, उस 11th May के बाद सब चीज़ बाहर आ गई। तो मैं करना नहीं चाहती थी, आपके सवाल का जवाब ये है, मैं करना नहीं चाहती थी, लेकिन यूनिवर्स ने कराया, बिकॉज वो मैसेज मुझे क्लियरली यूनिवर्स ने 7th March को ही दिया था कि वी आर गेटिंग समथिंग, यू हैव टू टेक द लीड। मेरा तो ये नहीं मालूम था इतना बड़ा होगा कि इतना कदम उठा रहे हैं, इज बिग नाउ यू आर बीइंग हर्ड, FIR भी हो गई, आपने अपना स्टेटमेंट भी दे दिया है, तो क्या लगता है आपको कि पॉजिटिव वे में जा रहे हैं? वेटिंग फॉर द, चीज़ें बहुत स्लो चल रही है, क्यों चल रही है ये नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही स्लो चल रही है। मे बी अभी जो मैंने विटनेस के नाम दिए उनको बुला के इनका लेना होगा, सब चीज़ करनी होगी,
लेट्स वेट. मुझे तो ऐसा बोला गया कि डेट आने में कभी एक महीने में भी आ जाती, कोर्ट की डेट कभी एक साल बाद भी आती. अच्छा. सो पर झोल तो है, कुछ झोल तो है 100%. आई कैन फील दैट वाइब्स. आई नो वॉट इज हैपनिंग बाई इंट्यूशन. वह जब मैं जाती हूँ पुलिस स्टेशन, पता चलता है क्या हो रहा है वहाँ, वो भी जल्दी बाहर आएगा. अच्छा, वहाँ भी कुछ इन्फ्लुएंस. सब चल रहा है, सब चल रहा है 100%. असित मोदी जी अभी इतने पैसे कहाँ करेंगे, वो खर्च तो करेंगे. पहले उन्होंने मेरे से मांडवली करने की बहुत कोशिश की, फोन पे एंड एवरीथिंग. अच्छा. हाँ, बहुत. यू डिडंट एक्सेप्ट इट? मैंने कभी भी उनका फोन नहीं उठाया. अच्छा. और उन्होंने एक अपने फ्रेंड के थ्रू भी फोन कराया था जिस दिन. आप भी बोलते मैसेज करो, व्हाट डू यू वांट टू से. एक्चुअली ये मेरे को याद नहीं रहा. प्रूफ होता एक्चुअली वो तो मुझे, मैंने 8th ऑफ अप्रैल को जब भेजा था ये अथॉरिटीज को और बाय पोस्ट मेरा स्टेटमेंट, तब मुझे 10th ऑफ अप्रैल को मोदी के फ्रेंड का फ़ोन आया था कि अपन इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं, ये कर सकते हैं. मैंने बोला नहीं. बोले नहीं. मैंने कहा नहीं. बोले नहीं. मैंने कहा नहीं. बोले पक्का ना समझो. तो मेरे लॉयर ने तो उसके खिलाफ भी FIR करा है कि धमकी दे रहा है. सो इन्फ्लुएंस यूज करने दो. मैं ये मानती हूँ ऊपर वाले से बड़ा कोई इन्फ्लुएंस नहीं है. आई एम जस्ट हैविंग ट्रुथ. जस्ट यू नो आई एम फाइटिंग फॉर विक्ट्री, जस्टिस के लिए. और जो है मेरे पास मेरा सच्चाई. डेफिनेटली वी वांट कि आपको भी जस्टिस मिले, बिकॉज इतना हार्ड वर्क किया है, 15 इयर्स इस शो को दिया है, और इस शो से अलग हुई तो इस तरह से हुई, वो आपने भी नहीं सोचा होगा. कभी नहीं सोचा था यार. कभी नहीं सोचा था. मतलब बीच में बहुत सबका फ्रस्ट्रेशन आता रहा. 15 इयर्स इज अ लॉन्ग टाइम. और पूरी मतलब लाइफ तो अपने आपको हमेशा बोलती थी मैं तो डबल लकी हूँ. डबल लकी हूँ कि मैं वापस आई हूं शो में. यस, बिकॉज आई वांटेड, बिकॉज आई लव्ड दैट. मैं जो 5 साल शुरू की वाइब्स थी ना वो बहुत प्यारी थी, तो वो उसके कारण मैं वापस गई. वहां जब गई तो वो तो काफी ऐसा यू नो सब बहुत गोलमाल हो चुका था. आपको क्या लगता है कि अभी आपने तारक मेहता का उल्टा चश्मा छोड़ा है, इतने लंबे समय तक आप जुड़ी रही, वो आपके लिए अच्छा था या बुरा था? क्योंकि एक तरफ फेम तो मिली एक शो से, आप एक शो पे आप काम करती रही, रेगुलर इनकम रही, पहचान रही, शो भी बड़ा था, लेकिन क्या आपको लगा कि मैंने दूसरे एक्टिंग के जो जॉनर्स है उसको मिस आउट किया? मिस आउट तो ऑफकोर्स किया, बिकॉज बहुत बार बहुत ऑफर्स आते थे, छोटे छोटे भी, मतलब एड के, वेब सीरीज के कुछ छोटा चीजें, तो मतलब बोल के ही रखा था कि भाई हम छोटा सा वेब सीरीज में कर सकते हैं, तो वो आते थे ऑफर्स, लेकिन एडजस्ट ही नहीं होता था. तो अब क्या होता था ना, कभी कभी किया भी एक दो बार एडजस्ट, और लास्ट मोमेंट पे मना कर दिया गया. अब वो एड वाला मेरे रिश्तेदार थोड़े ना वो, कि वो मेरे लिए वेट करेगा यहाँ, आप लास्ट मोमेंट में मना कर. तो फिर मैं डर के मारे लेती नहीं थी. और ऑफकोर्स ये शो से जुड़ा होना एक ब्लेसिंग भी है ये, बिकॉज इतने साल किया, नेम फेम एवरीथिंग इज बिकॉज ऑफ दैट. जो निकली हूँ मैं उसके लिए बोलूँगी, आई एम वेरी कर्मा कॉन्शियस पर्सन. जो मेरे लाइफ, मैंने अपनी लाइफ कभी प्लान नहीं की, बचपन से आज तक मैं कुछ नहीं प्लान किया. Everything is done by God. I am totally in surrender mode all the time. You do whatever you want. बस मुझे strength देते रहना. That's the only thing. तो ये भी जो हुआ है, ये पूरा मुझे मालूम है, ये पूरा कर्मा था मेरा यहाँ पर सहना. और ऐसे ही वहाँ जितने लोग हैं, तारक मेहता is a very karmic place. Everyone has their own karma in that place. एक ये भी कहा जा रहा है आपके लिए कि जिस टाइम पर आपकी ये कॉन्ट्रोवर्सी बाहर आई, सेम टाइम पर बिग बॉस के लिए कास्टिंग हो रही थी, तो आपने ये बिग बॉस के लिए किया है, आप विक्टिम कार्ड खेल रही, वुमन कार्ड खेल रही है, क्या सच्चाई है? देखो पहले तो ऐसा मैंने भी पढ़ा कि पब्लिसिटी के लिए कर रही. पब्लिसिटी के लिए करना होता तो पिछले 15 साल में क्या नहीं किया होता मैंने. आप मेरा इंस्टाग्राम जाके देख लो, आप मेरा फेसबुक देख लो, मेरा यूट्यूब देख लो, सब ब्लू टिक है, सब पता चलेगा आपको कि मैं कितना क्या करती हूँ. आपको देख के, किसी के वर्ड्स देख के इंसान नहीं समझ आता, उसकी वाइब्स समझते हो. आपको पता चलेगा कितना कर सकती थी पब्लिसिटी करना होता. एक मिनट लगती है ऐसे कुछ यू नो कंट्रोवर्सी करने के लिए, वेट करती है यू नो मीडिया की कंट्रोवर्सी, लेकिन ये नहीं करना था मुझे ये. मैं और वुमेन कार्ड की बात है तो यार ये सबका अपना अपना थिंकिंग है. उनको जो भी लग रहा है कि अगर मैं ये वुमेन कार्ड खेल रही हूँ तो ऑफकोर्स दे हैव देयर ओन थिंकिंग. मेरे पास जो सबूत है ना, जब ये बाहर आएंगे तब उनको पता चलेगा मैं वुमेन कार्ड खेल रही हूँ क्या. तब उनको रियलाइज होगा शायद. तो मुझे लगता है लोग मेरे को गाली भी बकेंगे कि यार ये क्या सह रही थी, बेवकूफ, इतने टाइम से क्यों सह रही थी. इफ एनीवन विल लिसन टू दोस ऑडियोज, हाथ पैर ठंडे हो जाएंगे उनके कि क्या क्यों सह रही थी. मतलब मैं बोल रही ना, मयूर ने मुझे गुस्से से आके बोला ऐसे, बोले तुम क्यों सह रही थी जेनी. मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं मालूम था इस तरीके से बात की जाती है यार. क्योंकि वो जब कभी सेट आते थे तो यहाँ थोड़ा ऐसे
थोड़ा उनके सामने थोड़ा ये हो जाते थे ना सब, अलर्ट हो जाते थे सोहेल ओहेल. तो वो है कि मैं ये वही कर रही हूँ जो मुझे परमात्मा बोल रहा है. आई एम जस्ट अ वेरी कर्मा कॉन्शियस पर्सन. और वुमन कार्ड है कि नहीं वो बाद में पता चलेगा. बिग बॉस का ओटीटी से आया आपको ऑफर? देखो वेट एंड वॉच. क्या आपको लगता है कि इस कंट्रोवर्सी के बाद इंडस्ट्री आपको अलग नज़र से देखेगी कि यार इसने प्रोड्यूसर पर ये सब एलिगेशंस लगाए हैं या ये ऐसा कर देगी? ये ऐसा ऐसा सब ऐसे लोगों का कहना है. ऐसे में जो बहुत सारे फोन आए अभी भी अंदर से जो कास्ट है उसमें से भी किसी के फोन आए कि जेना सब तो ठीक है लेकिन तेरे को इंडस्ट्री में काम करना है. वो मैंने बोला ना मैंने मेरी लाइफ कभी नहीं प्लान की. ऊपर वाला मेरी लाइफ प्लान करेगा. अगर मुझे हाउसवाइफ बनना है तो शायद हाउसवाइफ बनूंगी. हो सकता है मुझे बिजनेस वूमन बनना है मैं वो बनूंगी. हो सकता है मुझे कोई बहुत अच्छी वेब सीरीज मिलना हो, बहुत अच्छी मूवी मिलना है, मैं वो करूंगी. आई एम जस्ट गोइंग विद द फ्लो एवरी सिंगल डे. मुझे रात को नींद आनी चाहिए मैंने कुछ गलत नहीं किया. मैं उस तरीके से जीती हूँ. मैं आज रात को मर गई तो मैंने कुछ गलत तो नहीं किया भाई. तो अब आगे जो भी है अपने आप वो चीज़ आएगी. आई टेक वो दिन उसी दिन के लिए मैं जीती हूँ. यू आर एन एक्ट्रेस, डांसर हैं, सिंगर हैं, आप कर सकते हैं बहुत कुछ है अभी आगे के लिए. क्या कोई आगे कोई नया शो या कुछ कर रहे हैं अभी? अभी, अभी तो कुछ नहीं अभी बिकॉज पहले तो एक महीने में जबलपुर में थी एंड लाइक आई टोल्ड यू मेरे ब्रदर की डॉटर हुई है तो उसके पास थी एंड उसका नाम मैंने रोशन आरा रखा है. सो मतलब मेरे नाम से और मेरी बुआ के नाम से एंड रोशन आरा इज अ पारसी नेम. सो वो है तो वहाँ थी. फिर अभी वापस मैं गई थी जबलपुर एक प्रोजेक्ट के लिए शूट के लिए गई थी जो मेरा कल टेलीकास्ट होने वाला है 7 जुलाई को. एक वीडियो पे लोरी है बच्चे को जो सुलाते हैं वो लोरी है. निन्नी रानी आ जाना एंड 3.5 साल की बच्ची की मम्मी बनी हुई. आई वाज लाइक वाओ. तो मुझे मेन जो डायरेक्टर ने बोला कि जेनी पता है तुम ऐसा लग भी नहीं रही कि उसकी माँ नहीं हो. मैंने कहा सर, मैंने कहा मतलब मेरे पहचान के हो? मैंने बोला सचिन भैया ये बहुत बड़ी कॉम्प्लीमेंट है कि आप मुझे बोल रहे हो कि मैं 3 साल के बच्चे की मम्मी लग रही हो. तो उन्होंने बोला कि मतलब वो इतना मज़ा आया करने में शूट. वो हमने 2 दिन शूट किया, बहुत मज़ा आया. और बच्ची भी मस्त एकदम प्यारी सी लड़की है त्वरिता करके. तो उस वो अभी कल टेलीकास्ट होगा तो उसमें एक कुछ अलग. वो लोरी में चाहती हूँ सब सुने यार. इट्स अ ब्यूटीफुल लोरी. ट्रस्ट मी. वो रोशन आ रहा हर दिन अभी उसी को लेके वो जरा भी रोती है ना वो सुनती है. और इतने प्यारे वर्ड्स है. बहुत अच्छा जो प्रोड्यूसर है जो कामेश जी उन्होंने बहुत अच्छा लिखा. सो वॉच आउट टू दिस न्यू लोरी जिसमें हमारी जेनिफर है. सोहेल की आपने बात की कि आपके साथ बड़ी बदतमीजी सोहेल रमानी ने की जो आपके प्रोजेक्ट हेड है. ये भी सुना है कि उन्होंने शो के एक सीनियर एक्टर पर कुर्सी भी फेंक दी थी. क्या इंसिडेंट है, क्या हुआ था? सो ये इंसिडेंट में मैं फिजिकली मौजूद नहीं थी बट एवरीवन नोस कि सोहेल ने और उनकी जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ गाली गलौज कुछ हुआ था और सोहेल ने उन पे कुर्सी फेंकी थी. एंड ये आई थिंक 2016 की बात है. तो उसके बाद भी सोहेल अभी तक शो में है. सोचो मतलब उसको बॉयकॉट कर दिया गया था. बोला गया था कि अगर ये शो में रहे, अगर ये सेट पे दिखा मेरे को तो मैं शो छोड़ दूंगा. अच्छा। और अगर उन्होंने शो छोड़ दिया तो शो बंद हो जाएगा आज. तो उन इसलिए 2 साल तक सोहेल वाज नॉट ऑन सेट. 2 साल तक वाज नॉट अलाउड ऑन सेट. अच्छा. मतलब अगर वो इस सेट पे होता था तो वो मतलब जहाँ पर वो सीनियर एक्टर होते थे वहाँ पर उस सेट पे उसको अलाउड नहीं था. जेनिफर मामला अभी पुलिस में है और आपने कहा कि आपके पास ऐसे ऐसे सबूत हैं कि सब सच्चाई सामने आएगी. सबूत के अलावा गवाह भी आई होप आपके साथ होंगे. सो सबूत तो है ही जो भगवान ने दिलाए हैं. हालांकि अकॉर्डिंग टू माय लॉयर एक लेडी को कोई भी सबूत की जरूरत नहीं होती. कोई अपने आप को इतना नीचे नहीं गिराएगा ऐसा बोलने के. बट ये तो भगवान ने मेरे को सबूत भी दे दिए. क्यों? क्योंकि सामने वाली पार्टी तगड़ी है ना. आप कर लो, आप कितने भी अभी पैसे खिला रहे हो सब कर लो. ऊपर वाला जब अपनी उसकी लाठी में आवाज़ नहीं होती सब पता चलेगा. विटनेस जो है, आई हैड 3 विटनेसेस. एक को बुलाकर सडनली जिस दिन मैंने विटनेस का नाम दिया था उसको बुलाकर उसका पुराना रुका हुआ पैसा, सालों पुराना पुराना रुका हुआ पैसा दे दिया गया और उसका मुँह बंद करा दिया गया. वो विटनेस ने मुझे खुद फ़ोन करके बोला था कि मैं तेरे लिए गवाही दूंगा. नाउ वो विटनेस ने बोल दिया कि सॉरी मैं नहीं दे सकता. बाकी 2 विटनेस हैं उन्होंने मुझे अभी पता चला है उन्होंने जाके मना कर दिया कि हमको इस बारे में कुछ नहीं मालूम. बिकॉज दे आर वर्किंग इन द शो, स्टिल वर्किंग इन द शो. तो आपकी सिचुएशन को और टफ करने की कोशिश की जा रही है. बट आई नो यू आर अ फाइटर और जो आपकी ज़िंदगी की कहानी है हर मुश्किल में आप आगे बढ़ी है. तो
तो इसमें भी आपको जरूर जस्टिस मिलेगा एंड यू विल बी हर्ड, मतलब केस आगे बढ़े और फाइनली वर्डिक्ट आए जो आपके जो सही हो वो वर्डिक्ट आए. और वी होप कि इंडस्ट्री में आप आगे बहुत ही वर्सेटाइल काम करें. जेनिफर, थैंक यू सो मच. थैंक यू फॉर गिविंग टाइम अपनी जिंदगी की कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए. बहुत डिटेल में हमने बात की और बहुत मजा आया आपसे बात करके. सेम हियर, इट वाज, थैंक यू सो मच फॉर दिस इंटरव्यू. आई रियली लव्ड इट क्योंकि एक्चुअली इतने टाइम से मैं इंटरव्यू नहीं दे रही थी और बहुत पक गई थी सेम चीजें बोल के. आई फेल्ट समथिंग गुड डिफरेंट. थैंक यू. तो ये थी हमारी जेनिफर मिस्त्री. थ्रू आउट इंटरव्यू इन्होंने बहुत अच्छे से हमसे बात की है. जिस तरह से बातें आ रही है कि अनप्रोफेशनली, ये बिल्कुल नहीं है. मैं जब इनसे इंटरव्यू के लिए फॉलो अप ले रही थी तो कभी हमारा इंटरव्यू अगर पोस्टपोन हुआ है तो ये हमेशा आई एम सॉरी ये सब मुझे बोलती थी, लिखती थी. मैं बोलती थी यू शुड नॉट बी सॉरी, अगर आपकी तबीयत खराब है तो उसके लिए आप सॉरी मत बोलो. तो शी इज़ वेरी गुड लेडी. इनकी ज़िंदगी, इनका परिवार बहुत ही खूबसूरत है और हम चाहते हैं कि आगे चलकर और भी अच्छा काम करें इंडस्ट्री में. दिस इज ऑल फॉर टुडे ऑन ऑटोबायोग्राफी ऑन ठिकाना. फिर मिलेंगे किसी और आर्टिस्ट के साथ. देखते रहिए बॉलीवुड ठिकाना.